हमेशा ऐसा लगता है कि भाई सीखने के बाद भी हम कुछ नहीं सीखे, तो ये एक मेरा एक वो कह लो कि एक आप लोगों के लिए, आपको पढ़ा के सिखाना या आपको बार बार पढ़ के उस चीज को पहचानना कि असली विद्या क्या है ये, इसीलिए ये जो कोर्स है हम लेकर आ रहे हैं जिसमें चैप्टर टू चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये कोर्स जो है हमारा 6 मंथ्स तक चलेगा, बिकॉज हमें 2 बुक्स कवर करनी है और हर किताब में 584 पेजेस रहेंगे। उसमें जो है आपको जितने उर्दू के शब्द हैं या जो पंडित जी ने कहना चाहा वो उसको ओरिजिनल ट्रांसलेशन आपको पता चलेगी, ताकि आप आगे कुंडलीज पे लगा सको। क्योंकि ऐसी कई बारीकियां हैं किताब में, मैं इसको कितने सालों से पढ़ रही हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ मुझे कोई नया पॉइंट निकल के मेरे सामने आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई गैबी ताकत है जो आपको इस चीज को, इस विद्या को लेने को मजबूर करती है, ताकि आप दूसरों की मदद कर सको। ये जो किताब है ये कोई जादुई काला जादू या कोई मंत्र तंत्र की किताब नहीं है। अगर जिन्होंने भृगुनंदी नाड़ी पढ़ी है, जिन्होंने और फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है जो वैदिक से निकल कर आती है, जब वो लाल किताब को बारीकी से समझेंगे उनको अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो पॉइंट है हमारा ये आपको कहाँ से निकल कर आ रहा है। ये तो पंडित जी ने भी कहा बात, पंडित जी ने भी उसको जो है ग्रहों को 4 भागों में डिवाइड किया गया, पंडित जी ने भी दिशाएं बताई। और बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि लाल किताब आपसे ये कहती है कि शक्ल देख के तू पहचान लेगा कि सामने वाले की किस्मत क्या होगी। इतनी निशानियां पंडित जी ने हमें दी हैं। जब मैं छोटी होती थी और जब मैं छुट्टियों में पंजाब अपने दाद के जाया करती थी, तो जो हमारे घर में लाल किताब के जानते थे वो ऐसे ही शक्ल देख के पहचान जाते थे। वो कुछ कोई सवाल आपकी शक्ल देख के पूछेंगे और उसी में उनको उनका जवाब मिल जाता था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये तो जादू है कि भाई आपने सामने वाले की शक्ल देखी, दांत देखे, पैर की उंगलियां देखी और आंखों की बनावट देखी, माथे की लकीरें देखी, सर के बाल देखे, हाथ के नाखून देखे। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि भाई तुझे ये तकलीफ है, तेरे घर में ऐसा है, तेरे घर में वैसा है, तो ये कैसे आपको। मैं कितनी बार अपने जो मेरे परदादा होते थे बहुत बूढ़े थे, तो उनसे मैं पूछती थी कि आप ये कैसे करते हो, तो उन्होंने मेरे हाथ में किताब थमाई थी जो बहुत पुरानी कॉपी थी, जिसको मैंने एज अ स्टोरी रीड किया कि भाई उसमें उसको मैंने किरदार बनाए, किरदारों को मैंने उसमें डाल के, तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि ऐसे इसको सीखो तब तुम सीखोगी। तो ये जो कोर्स आ रहा है ये हम चैप्टर टू चैप्टर इसलिए भी करेंगे ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली सेम लाल किताब पता चले, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। आई एम सॉरी टू से कि हम लोगों को अंधविश्वास इतना डाल दिया जाता है या हमें इतना डरा दिया जाता है कि हम खुद ही डरने लगते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी डर के बैठते हैं, लाल किताब ओ पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, मेरे घर में कितनी लाल किताब है। अगर आप उसको यूज करना जानते हो या आप उसके रूल्स के साथ रहना जानते हो तो आपको कुछ नहीं होएगा। पंडित जी ने हिदायतें दी हैं हमें, हमें प्रिकॉशंस दी हैं। इसी किताब में सारी दो जो सेट्स हैं उनके, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उसमें सब चीजें आपको क्लियर मिलेंगी। अभी इस समय मैं वॉल्यूम 1 का पेज 2 देख रही हूँ, उसमें लिखा है फेहरिस्त मजामीन, यानी ये जो उर्दू वर्ड है इसका मतलब है कि पहला हिस्सा। ये जो किताब है इस नॉलेज का ये पहला हिस्सा है, इसमें आपको ग्रामर, मकान कुंडली, हाथ की रेखाएं, भाई किसी के पास आप कहीं बैठे हो, आपको जो है कुंडली नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और आपने सिर्फ उसका हाथ देख के उसको चीजें बतानी है वो भी लाल किताब से है, शक्ल देख के बतानी है वो भी लाल किताब से है, बाल देख के बताने हैं वो भी लाल किताब से है, तो आप उसको कितना कुछ बता सकते हो। सिर्फ लाल किताब ही एक ऐसी
नॉलेज है हमारे पास जो पंडित जी की देन है कि हम बहुत कुछ जान सकते हैं, और इसमें ही उपाय हैं जो उपाय लाल किताब की कैलकुलेशंस पे ही बैठते हैं। अगर हम उसको वैदिक पे लगाना चाहेंगे या हम उसको केपी पे लगाना चाहेंगे या हम उसको और किसी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे लगाएंगे तो हो सकता है उसमें वो थोड़ा उपाय कम काम करे या कई बार काम ना भी करे। तो जो लोग इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में है उनको क्या इससे हासिल होगा कि भाई वो जब कोई उपाय दे रहे हैं तो वो डबल चेक करके दे सकते हैं कि भाई आपने ये उपाय दे रहे हो सामने वाले को तो कहाँ से दे रहे हो, और ये वैदिक में आपने देख के दिया है तो क्या ये चीज सही बैठती है लाल किताब में, तो आपका उपाय 100% उसको असर करेगा। लोग कहते हैं कि ये रेमेडियल बुक है, ये रेमेडियल बुक नहीं है, ये आपको जीना, जिंदगी जीने का एक जरिया बताती है कि भाई आप कौन हो, आपका इस दुनिया में आप क्यों आए हो। हम लोग सब जो इस सोल को लिए बैठे हैं इस समय अपनी इस बॉडी में, हम सबके लिए कोई ऊपर वाले ने काम दिया है। अब वो काम आपकी फैमिली के लिए हो सकता है, आपका इस वर्ल्ड में आके किसी के लिए करना हो सकता है, या अपने को बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो कारण है आपका आना, वो आपको लाल किताब सीधा सीधा बताती है कि भाई तू क्यों आया है इधर, तू यहां से कहाँ जाएगा, तुझे क्या करना है और तुझे क्या नहीं करना है, कौन से साल में तेरे साथ क्या होगा, तुझे उसको कैसे उसको संभालना है या तुझे उसके लिए कैसे तैयार होना है, ये सब चीजें लाल किताब में साफ साफ लिखी हैं। लोग कहते हैं पहेलियां बुझाई गई हैं या उन्होंने कोई पोएट्री लिखी है, ऐसा नहीं है, उन्होंने साफ साफ संदेशा दिया है, आपको समझ में आना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है जो मेरे प्रीवियस कोर्सेज थे उसमें जितने भी कोर्सेज हमने कंबाइन करके अलग अलग पार्ट्स में हमने प्रेजेंट किया, उसमें काफी चीजें ऐसी थी कि जो मिस हो जाती है, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, कोई ऐसी लाइन आ जाती है जो पूरा उसका मतलब बदल देती है और जिसको हम मिस कर जाते हैं। मार्केट में सिर्फ इसको एज अ रेमेडियल कहा के बेचा जाता है, अरे आपका गुरु जो है वो आठवें घर का है तो गले में सोने की चेन पहन लो, ऐसा नहीं है। गुरु आठवें घर का है, इस साल तेरे वर्ष फल में आठवें घर में गुरु आ रहा है तो उसका एक रीजन है तेरे पीछे, तेरी इस उम्र में क्यों आया, पिछले साल भी आ सकता था, इसी साल क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जानने के लिए आपको लाल किताब बताएगी कि हर साल जो तेरा वर्ष फल आएगा वो तुझे क्या देके जाएगा, तेरे से क्या लेके जाएगा। अब उसमें लेना और देना तो हम माइनस एंड प्लस करके इक्वल तो नहीं ला सकते, ये तो हमारे पास ताकत ही नहीं है, मगर हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं या हम उससे थोड़ी सी रियायत पा सकते हैं। रियायत का क्या मतलब होता है कि भाई कंसेशन, कि भाई हम थोड़ा कंसेशन पा लेंगे ऊपर वाले से कि भाई माफ कर दो भगवान, अभी माफ कर दो, थोड़ा सा कम ले लो, या थोड़ा सा चलो आप कम दोगे हमें चलेगा, लेकिन हमें इस तरीके से मत देना। ये सारी चीजें सिखाती है हमें लाल किताब। लाल किताब की पहली जो एडिशन है वॉल्यूम 1, उसके अंदर आप लोगों को फरमान आएंगे, उसमें खानों के बारे में, जो हाउसेस होते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मकान कुंडली और हाथ की हथेली, इसको देखना आप पूरे अच्छे से सीख जाओ कि भाई कैसे हाथ की हथेली आपकी काम करती है। औरत और आदमी के लिए क्या फर्क है इसमें, आदमी का गुरु और औरत का गुरु, आदमी का बुध और औरत का बुध क्या अलग अलग काम करेगा उसके लिए, जेंडर हो ना आप, ऊपर वाले ने ऐसे तो नहीं, अगर उसने कोई बनाना ही नहीं था, अलग अलग देना ही नहीं था, तो उसने सेम दे देना था, सारे आदमी होते सारी औरतें होती, उसने दो अलग अलग हमें कैटेगरी में बांटा, उसका भी रीजन है, और वो रीजन आप ही के साथ क्यों हुआ, सोल को नहीं पता कि मैं फीमेल हूं या आप मेल हो, उसको नहीं पता, ये हमें पता है क्योंकि हमारे मन में ये चीज डाली गई है।
उसको कैसे लाल किताब बताती है, वो लाल किताब में साफ साफ लिखा है, उसी पे सारे उपाय काम करते हैं। हेल्थ इश्यूज हो जाए, वेल्थ इश्यूज हो जाए, बच्चे का जो भी आपकी लाइफ में घटता है वो पहले से ही लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं आना या कोई चीज बदलनी नहीं है, सब लिख के लेकर आए हुआ, आपका पर्चा पहले से ही प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है आपका। अब उसको यूज कैसे करना है वो ही आपको सिर्फ लाल किताब बताती है। लाल किताब जो है अपने में होल इन होल फुल एस्ट्रोलॉजी है, हमें इसके बाद कहीं भी बाहर ताका झाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी बार ऐसा होता है कि विद द एक्सपीरियंस जब आप इसको कोर्स को कर लोगे और उसके बाद आप खुद भी एक आदत में डल जाओगे कि इसको आपने ग्रंथ की तरह रोज थोड़ा 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 उसको पढ़ते भी रहोगे तो भी आपको और चीजें समझ आती रहेंगी। अब क्या होता है कि विद एक्सपीरियंस आप किसी के सामने बैठे हो, इमिजिएटली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा, आप पूछ लोगे उससे कि क्या। तो लोग सोचते हैं कभी कभी, अरे आपने नंबर से जाना क्या, ये आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि मेरा मामा जो था वो बहुत ज्यादा पुजारी था या उसके पैर में चोट लगी थी, उसका एक्सीडेंट इस उम्र में हुआ था, आप तो मुझे जानते नहीं हो। भाई तेरी शक्ल पे लिखा है, तेरे चेहरे की जो बनावट है वो ही बता रही है तेरी रिश्तेदार। तू कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कैसी तालीम होएगी तेरी, कैसी तेरे को सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, सब चीजें लाल किताब में पहले से ही दर्ज है, आपको सिर्फ पहचानना आना चाहिए। जो 5 नंबर पेज है फर्स्ट बुक का प्रथम, उसमें पहली एक लाइन लिखी है, याद रहे या ना रहे मगर ख्याल जरूर रहे कि मनुष्य बंदा स्वयं लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत का हो। इस लाइन में उन्होंने पहले से ही आपको बता दिया, जो मैं इतने टाइम से अभी आपको जो मैंने समझाया कि मनुष्य बंदा है अपने स्वयं लेख से, जो आप लिखवा के लाए हो, विधाता ने कोई ऐसे आपको तुक्केबाजी नहीं करके भेजा, उसकी कलम ने लिख दिया है, वो आप बदल नहीं सकते। क्या कर सकते हो आप उसमें, थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हो, मिटा नहीं सकते आप, कोई रबड़ नहीं देगा वो आपको मिटाने के लिए, वो जो स्याही उसने यूज करी है वो आपकी जिंदगी है, जो उसने कागज पे आपके साथ लिख के भेजी है। फिर उसके बाद नीचे लिखा है क्योंकि, लिखा जब किस्मत का कागज, वक्त था वो ऐब का, भेद उसने गुम था रखा, मौत दिन और ऐब का, ख्याल रखना था बताया पृथगन इंसान का, एवस लड़की लड़का बोला खतरा था शैतान का। उसने ये भी आपको इसमें बताया, पहले पेज पे पंडित जी ये कह रहे हैं कि लिखा गया जब हमारी किस्मत का कागज, उसने कुछ सीक्रेट्स रखी। सीक्रेट्स क्या थी हमारे लिए, हमारी आयु कि भाई कितनी लंबी जिंदगी हम जिएंगे, दूसरा कि भाई आपके आने वाली नस्ल, जो आप बच्चे पैदा करते हो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये दो चीजें उसने अपने पास छुपा ली, उसी कागज पे लिखा है, और लेकिन वो हाइलाइटेड नहीं है, वो इनविजिबल इंक से लिखा गया कि भाई ये जो चीज है ये किसको पता चलेगी, ये लाल किताबी को पता चलेगी, लेकिन लाल किताबी को ये बोला गया कि उसके नीचे हवाई ख्याल की बुनियादी दीवार का मजमून बेशक तुझे मौत का दिन, किसी के भेद या ऐब और माता के पेट में लड़का या लड़की का इशारा कर देगा, मगर ऐसी बातों को अपने वक्त से पहले जाहिर कर देना तेरे खून को कोर लगा देगा। माने ये किताब इतनी रहस्य से भरी है, इतना सटीक आपको चीजें बता देती है कि सामने वाले की मौत का दिन या उसके औरत के पेट में बच्चा का जेंडर भी आपको बता देगी, लेकिन हिदायत पहले ही दे दी उन्होंने
तू सीख जाएगा सब कुछ, तुझे सब पता चल जाएगा, लेकिन तेरी जुबान नहीं खुलनी चाहिए, वरना तू अपने ही खून को कोड़ लगा लेगा। खून को कोड़ लगाना कैंसर होता है, आपको या आपके किसी परिवार वाले को लग जाना। इसीलिए मेरी जितनी क्लासेस होती हैं, चाहे केपी हो गए चाहे कुछ हो गए, उसमें काफी लोग ये पूछते हैं जेंडर पता चलेगा क्या, मैं उनके आगे हाथ जोड़ देती हूँ, नहीं पता चलेगा। क्या आपको टाइम पता चल जाएगा जाने का इंसान के? पता चल जाएगा, लेकिन बोलेंगे नहीं, अनलेस कि वो इंसान हॉस्पिटल पे हो, हम उसको यही बोलते हैं वापस आ जाएगा। नमस्कार। लेकिन हम उसको ये नहीं बोलते कि भाई इतनी सांसें बची हैं इसकी, कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो है आपको लाल किताब के हिदायतें और उसके उपाय, लाल किताब बताएगी कि किस तरीके से आपने देने हैं। इसीलिए ये जो कोर्स आ रहा है, ये चैप्टर टू चैप्टर, वर्ड टू वर्ड चलेगा। 2 घंटे की हमारी क्लासेस रहेंगी और इसमें हम जितना आप कंफर्टेबल रहोगे उतने ही चैप्टर्स हम पढ़ेंगे और उसका पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। फिर उसके बाद जो है हमारा, जब एक सेट खत्म हो जाएगा, फिर हम उसी चीज को कुंडली पे लगा के देखेंगे। तो आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज इस फुल कोर्स से मिलेगी। और उसके बाद आप जो है कहीं भी लाल किताब जाके सीखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप पूरी लाल किताब खुद जान जाओगे कि भाई पंडित जी ने क्या लिखा है। और बिलीव मी, जितनी बार आप इस किताब को पढ़ोगे, हर बार आपको ये आंसर देती जाएगी। आंसर क्या देती जाएगी कि भाई आपके पास, मानो ये मेरे साथ हुआ है, बहुत बार होता भी है, मेरे पास कोई कुंडली आती है और मैं उसको देख रही हूँ और उस सामने वाले का प्रश्न है, मैं कितनी बार सोचती हूँ कि इधर से तो ये बता रहा है, इधर से तो ये बता रहा है। और मेरी एक आदत है कि मैं इस किताब को खोल के पढ़ना शुरू करती हूँ, चाहे मैं 2 ही पेज पढ़ पाऊँ, किसी दिन टाइम है तो 4 पढ़ूंगी, 5 पढ़ लूंगी, लेकिन किसी दिन एक भी। आप मानोगे नहीं, ये किताब ऐसी है, अगर मैंने उस दिन वो दिमाग में रख के प्रश्न, ये किताब खोली, मुझे उसका जवाब मिल जाएगा। जितनी आस्था से आप किसी भी चीज को करते हो, फेथ से, उतना ही वो आपको जवाब देती है। अगर आप में ही फेथ नहीं है, या आप ही फेथ आपका डोलम डोल है, तो आपको कहीं भी कोई आंसर नहीं मिलेगा। ये चीज आपको लाल किताब से पूरे पूरे तरीके से समझ में आ जाएगी। पूरी जिंदगी ये बदल देती है आपकी, कि कैसे आप किस, कि आप ये भी जान जाते हो कि आपके लिए कौन से रिश्तेदार इंपॉर्टेंट है, आपके कौन से दोस्त आपके लिए सही है, आपको जिंदगी अपनी कैसे जीनी है, किनके साथ जीनी है, किनसे अलग होना है, किनके पास जाना है, हर चीज आपको ये किताब बता देती है। कौन सा काम आपको करना है, लाइफ की कोई ऐसी इसमें कंडीशन, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप जानना चाहते हो जिंदगी की, जो ये किताब नहीं बताएगी, A to Z आपको ये विद्या बताएगी। एक छोटी सी एक्सरसाइज इस क्लास में हम करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, उसमें आप लोग सब अपनी ताकत का ग्रह ढूंढोगे कि मे बी बहुत लोगों को आता भी होगा ताकत का ग्रह ढूंढना, लेकिन ताकत का ग्रह क्या है? पंडित जी ने कहा कि भाई जब उसने ये कहा, मनुष्य बंधा स्वयं लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत का हो। ये जो लाइन उन्होंने पहले ही लिख दी है, इसी से जुड़ा है वो किस्मत का पक्का ग्रह, कि भाई जो ऊपर वाले ने आपको एक पर्चा साथ भेजा है, आपके पर्चा कहाँ है, आपके हाथों में, ये जो पर्चा उसने आपको दिया है, इस पर्चे में ही आपको आपका एक वो ग्रह मिलेगा जो आपकी जिंदगी भर आपके साथ किस्मत का ग्रह बन के चलेगा। और वो कैसे आप जानोगे? तो इस एक्सरसाइज से हम लोग
उसको करेंगे। आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगी मैं, तो आप लोग अपनी अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए, या अगर किसी को अपनी लग्न कुंडली याद है तो उसको इस तरीके से हम लोग पहला जो स्टेप हमारा आता है बंद मुट्ठी के ग्रह। भाई आपने अपना किस्मत का ग्रह फाइंड आउट करना है, तो उसमें पहला जो स्टेप है बंद मुट्ठी के ग्रह, ये आपका पहला घर है, ये चौथा, ये सातवां और ये दसवां, ये बंद मुट्ठी के ग्रह है, ये अंदर के ग्रह आते हैं जो आपको आपके मुट्ठी के अंदर है। अगर किसी का सूर्य लगन में है तो वो इंसान का जो किस्मत का ग्रह है सूर्य हो गया, यानी उसके पिता हो गए। अगर किसी का ग्रह गुरु चौथे घर में है, राशियों को भूल जाएं, राशि मत देखें, खाली खानों में अपने ये ग्रह देखें। अगर किसी का ग्रह गुरु चौथे घर में है तो उसका किस्मत का ग्रह गुरु होगा। सातवें खाने में अगर शनि है किसी का, तो उसका शनि ही किस्मत का ग्रह होगा। मंगल अगर दसवें खाने में है तो वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। अगर अब आप इस चीज को देख रहे हो तो एक चीज को समझें कि पहला घर सूर्य का है। हम भी तो वैदिक में भी तो यही कहते हैं कि भाई सूर्य जो है वो पहले घर में उच्च का होता है, गुरु जो है चौथे घर में उच्च का होता है, शनि जो है सातवें घर में उच्च का होता है, और मंगल जो है दसवें घर में उच्च का होता है। तो पंडित जी ने भी यही कहा कि भैया यही तेरी किस्मत है, इसी से तेरी किस्मत चलनी है, तो तू कैसे करेगा ये किस्मत को ठीक, इन ग्रह को पकड़ के। अब हमारे में से किसी का किस्मत का ग्रह इसमें है तो प्लीज हैंड रेस करें। रेणु जी अनम्यूट करके बताएं कौन सा आपका किस्मत का ग्रह है। हाँ हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक, पैटिकू थैंक यू मैम. इतनी इतनी प्यारी नॉलेज, इतनी ब्यूटीफुल नॉलेज आप हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं. एक्चुअली मुझे लाल किताब का कुछ भी नहीं आता मैम. एक्चुअली मेरे 10th हाउस में दो प्लैनेट एक साथ हैं. ओके मंगल है और बुध दोनों एक साथ बैठे हैं. हाँ, तो उसमें आपका मंगल ही किस्मत का ग्रह है। आपने कोई प्रोफेशनल एजुकेशन करी है? यस मैम, एक्चुअली मैं अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी स्टडी कर रही हूँ. रेकी वगैरह मैं करती हूँ, टैरो रेकी ये नहीं, सब. मतलब कि कोई औजारों से कोई काम या कुछ कभी आपने सीखा है, कोई जब कॉलेज स्कूल में थे आप? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं. मैंने MBA किया है मार्केटिंग में. ओके. और आपने किसी कंपनी, ऐसी किसी कंपनी में काम किया है जो कि जिसका नाम लेडी जेंडर रहा हो, लेकिन वो लोग किसी टूल्स या इक्विपमेंट्स में डील करते थे? नहीं मैम, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ रिसेंटली. बस हाँ, इंश्योरेंस लाइन में लास्ट मेरा वर्किंग था लास्ट ईयर. अभी तो जस्ट कंटिन्यू मैं स्टडी पे फोकस कर रही हूँ अपनी. ओके. कितने साल काम किया इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस में मैंने 3.5 ईयर काम किया है मैम. ओके. तो क्या आपने वो जो काम किया है वो 24 से 28 साल तक किया है? यस मैम. ओके ठीक है. तो आपका मंगल का ग्रह जो है वो ही आपका किस्मत का ग्रह है। अब मंगल कौन है आपके लिए? मंगल है आपके हस्बैंड या आपका भाई? ठीक ओके है, जी. तो अगर आपको मंगल को बढ़ाना है, यानी मंगल ही आपका प्रोफेशन भी कंट्रोल करके बैठता है, तो मंगल की चीजें आपको जो है वो ज्यादा अपनी जिंदगी में रखनी है, यानी लाल रंग के कपड़े। जब भी आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में तो आप लाल रंग के कपड़े पहन के जाएं, ऊपर की जो टॉप है आपकी रेड होनी चाहिए। तो उससे क्या है कि आपको मंगल की जो चीजें हैं वो, और एक चीज और, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज है। मतलब आप अगर एक चीज कोई खाते हो तो आपको विदिन 1.5 घंटे के अंदर आपको ऐसा लगता है पेट खाली हो गया। यस मैम, ये तो होता है. अब मेन ये है कि एक्चुअली मेरा 27 नवंबर है, तो मैं अगर लाइफ पाथ वैसे करूँ तो वो भी मेरा 9 ही बैठता है. कॉलेज में जो मेरा एग्जैक्टली रोल नंबर, वो भी उसका तो नाइन हाँ, ही है. तो इस वजह से जो है आपका जो मंगल की जो अग्नि है
वो बहुत और अच्छी है। और ये जो मंगल है ये 10वें घर से बैठ के, जब भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है फाइनेंशियली रिलेटेड आल्सो, तो आपकी फैमिली में यही दो इंसान जो है आपको, जैसे ठीक है हेल्प इन द सेंस की चाहे छोटी मोटी रकम भी तो भी आपको यहीं से मिलती है। हाँ, मतलब ये है कि भाई हैं तो दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प मी, ये है कि ये एग्जैक्टली होता तो अब आपको पता चल गया कि आपको मंगल के साथ क्या करना। है। यस मैम, एक चीज पूछनी थी, ये मतलब आज का ही सेशन रहेगा या फिर इसकी क्लासेस रहेंगी, पूरा कोर्स कंप्लीट? नहीं, इसका कोर्स स्टार्ट होएगा आज के वेबिनार के बाद। डेट्स आपको जो है वो चैट में उन्होंने ग्रुप डाला है, तो जो लोग जी इंटरेस्टेड हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और मैम, आज का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा या फिर जस्ट नहीं? अभी नहीं किसका? आज की जो रिकॉर्डिंग, आज ही जो हाँ, वो क्लास, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि एक्चुअली अभी यहाँ से मैं क्रिया शक्ति और मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग का किया है, और ये जो आप बता रहे हो काफी मुझे इजी वे लग रहा है, क्योंकि वैदिक में हम लोग करते हैं बहुत ज्यादा रीड करते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें देखनी पड़ती हाँ, हैं। लाल किताब आसान है और उसी तरह से थोड़ी मुश्किल भी है, लेकिन आप, मैंने वही कहा ना कि आप, इसलिए ये कोर्स मैं लेकर आ रही हूं ताकि सारे इफ्स एंड बट्स सबके दिमाग में से हट जाएं। ये मार्केट में एक अनोखा कोर्स है, लोग बहुत प्रॉमिस करते हैं, लेकिन हम चैप्टर टू चैप्टर रीड करेंगे क्लास में, इट्स लाइक अ रीडिंग क्लास, और उसके तो बाद मैम हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। इसके लिए बुक लेना पड़ेगा ना, वो तो कहीं से मिल हाँ, जाएगी? आप लोगों को बुक होनी चाहिए। बुक आप अपने आप भी ले सकते हो, आपको ग्रुप में हम बुक्स को डाल देंगे, आप खुद भी परचेज कर सकते हो और एकेडमी से भी संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू दिल से मैम, आप इतनी अच्छी नॉलेज हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच मैम। यू आर वेलकम, वेलकम। तबीशा जी वेलकम, थैंक यू मैम, गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरा मॉर्निंग। जो 10वें खाने में शनि बैठे हैं, शनि अंकल, नहीं अभी आप वेट करो, नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपका किस्मत का ग्रह। नेक्स्ट ये स्टेप ग्रह में ऐसे मतलब? ही, अभी स्टेप है ना, ये पहला स्टेप है, अभी तो और आगे चलना है आपको अपनी किस्मत का ग्रह। हर किसी का थोड़ी बंद मुट्ठी में ग्रह ही मिल जाएगा, अभी तो आगे नहीं, आएंगे मेरे हम। 10th हाउस में है ना शनि जी। हाँ, लेकिन यहाँ 10th हाउस में आपको मंगल चाहिए। अच्छा, मतलब यही सब चीजें हो, यही थी, चारों हाँ, प्लैनेट्स होने सेम चाहिए। सेम एज इट इज होना चाहिए ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। जी। डॉक्टर विजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, जय सीताराम। मैडम, जय सीताराम। मेरे ना सप्तम भाव में जो है, जो मंगल है उच्च का, उसको तो नहीं मानेंगे हम, नहीं, और सेकंड हाउस में गुरु है वकरी, क्योंकि उसका दूसरे का नहीं भी नहीं मतलब नहीं इन दोनों को नहीं मानेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सेम चीज होनी चाहिए ठीक है मैम, थैंक यू। जी। जी शशि कुमारी जी, जिनके प्रश्न हो गए प्लीज हैंड डाउन कर लें। मैडम, लग्न में होने चाहिए, मेष में नहीं, होने ये चाहिए? 1, 4, 7, 10 घरों में सेम ग्रह होने मेष चाहिए। मेष में होना चाहिए। नहीं, राशियों को नहीं लीजिए आप, सिर्फ 1st हाउस, 4th हाउस, 7th एंड 10th हाउस में ये ग्रह बैठे होने चाहिए। जैसे कि अभी जो फर्स्ट हमने कॉलर को लिया था, उनका मंगल 10वें घर में था, तो वो मंगल हाँ मतलब सन लग्न में होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके ओके, जी। शशि कुमारी जी, कौन सा ग्रह है आपका? अनम्यूट करके बताएं। हाँ हाँ हेलो जी, मैम, पहला वाला है मेरा सन, मेरे फर्स्ट हाउस में है। जी सन आपका 1st हाउस में है। ओके, मैम, अब आपका जो सूर्य है वो आपके लिए किस्मत का ग्रह है, यानी सूर्य वाले को लाल किताब ये हिदायत देती है कि अगर ये इंसान सर ढक के रखेगा तो ये बहुत ज्यादा तरक्की करता है। दूसरा, सूर्य एक वाले के जो पिता होते हैं वो थोड़े से अथॉरिटेटिव होते हैं, यानी वो चाहे छोटे ही क्यों ना हो अपनी फैमिली में, लेकिन वो फिर भी अपनी फैमिली में बड़े माने जाते हैं। बताएं, हाँ ठीक है, तो अपने पिता से जुड़े रहिए, आपकी किस्मत यही सूर्य ही बनाएगा। जी मैम,
ठीक है। कुणाल जी, आपका कौन सा ग्रह है? गुड मॉर्निंग मैम. मैं मेरा लाल किताब से थोड़ा अलग से सवाल है. मुझे ये पूछना था कि जिनके पास टाइम ही नहीं हो तो उनकी कुंडली ही ना बने, तो हम किस प्रकार से उनका लाल किताब देख सकते हैं मैम? उसमें भी लाल किताब आपको, जैसे अभी मैंने कहा कि हाथ की लकीरें तो दी ऊपर वाले ने, चाहे कुंडली जी हो या ना हो। राइट. हाँ, हाथ की लकीरों से आप जान जाओगे। प्लस आप हमारे, हमें लाल किताब निशानियां देती है, जैसे वो निशानियां देती है, या वो कहते हैं ना कि भाई ऊपर वाला आपको साइंस देता है चीजों के, तो वो उसी तरीके से लाल किताब निशानियां देती है इंसान का जन्म वक्त जानने के लिए कि भाई ये कब पैदा हुआ होगा या इसके साथ क्या चलेगा जिंदगी में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जन्म कुंडली ही चाहिए। तो फिर अगर उसकी हैंड रीडिंग भी तो आनी चाहिए फिर, अगर वो हैंड रीडिंग ही हाँ, तो ना आती इसमें है तो वो हैंड भी कितना हैंड होगा? रीड, इसके अंदर ही हैंड रीड भी होएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी मैम. जी 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 निखिल जी पूछे। ओके, मैम फोर्थ हाउस में गुरु है. फोर्थ हाउस में गुरु है। आप जिस घर में पैदा हुए उसके पास कोई मंदिर था, और आपके घर में जो है मतलब दादके के घर में या नानके के घर में कोई मंदिर रहा है बड़ा, कोई आपकी कुल देवी का भी मंदिर है जहां पे आपके नानकों से रिलेटेड जो आप लोग जाते हो। नहीं मैम, ऐसा कोई मंदिर नहीं, लेकिन अगर आसपास मंदिर की यदि बात करते हैं तो हाँ है, मतलब प्रसिद्ध ओके, मंदिर आप जिसकी बात जितने भी घर में कर रहोगे, रही हाँ जितने भी घर में रहोगे आपके घर में मंदिर की आरती की घंटी या आवाज सुनाई देगी ही देगी। हूँ. नहीं मैम, ऐसा फिर नहीं है. कितनी दूर है मंदिर? अब आप हाई मंदिर राइज पे तो चले नहीं, गए। आपके नाम पे घर होना चाहिए मंदिर ना। काफी दूर है. नहीं, मेरे नाम पे नहीं है फिर. आपके, हाँ आपके नाम पे घर होना चाहिए जिसके नाम पर है। लेकिन ये जो गुरु है, आपके घर में कोई ग्रंथ पीले कपड़े में या कोई रैप होके पड़ा ही रहता है? हाँ जी, हाँ, तो ये गुरु के माता साइन है। गौरा आप, की तरफ से हाँ जी, वर्गों जी मैम, ये बात सही हाँ, तो मैम. आप, आपका गुरु जो है वो किस्मत का ग्रह है। आप जो है अच्छे टीचर बन सकते हो, या आप बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज गेन करके आगे आपका बांटने का काम कर सकते हो। मैम उमा जी पूछें। मैम, एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यू नो व्हाट यू आर सेइंग. सो इन माय कुंडली आई डोंट सी 1 4 7 आर नॉट मैचिंग, ओनली 10th, यू नो आई हैव या मार्स एंड जस्ट रा. स्टॉप, या डोंट वरी उमा जी, जस्ट स्टॉप देयर। इफ इट इज नॉट मैचिंग हियर, नो वरीज, वी हैव अदर स्टेप्स। सो इन द मंगल स्थान, यू नो आई हैव मंगल एंड राहु बोथ इन द 10th प्लेस. हाँ, सो दैट मींस मंगल इज योर किस्मत का ग्रह। ओके, सो दैट व्हाट इफ डज यू इट कैन मीन, यू नो व्हाट. सी फॉर द मंगल, आई जस्ट देर वॉज अनदर पर्सन ऑल्सो फॉर दैट मंगल, आई एक्सप्लेन्ड अ लिटिल वाइल बैक। मंगल इन द 10th हाउस गिव्स यू द प्रोफेशनल एजुकेशन, एंड द मंगल इन द 10th हाउस इज द हस्बेंड इज ऑल्सो प्रोफेशनली एजुकेटेड, और द ब्रदर इज ऑल्सो प्रोफेशनली एजुकेटेड। इज दैट द केस? ये ठीक ओके, सो मंगल इज योर किस्मत का ग्रह। द रेमेडीज, रेमेडियल पार्ट, दिस यू हैव टू यूज मोर ऑफ द रेड कलर, एंड रेस्ट रेमेडीज वी विल लर्न थ्रू द कोर्स। ओके थैंक यू. रुद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम ममता. ओ हाय ममता, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम. मैम माय सैटर्न इज देयर इन 7th हाउस, ओके, सो इज इट माय वो किस्मत वाला ग्रह? यस, शनि इज योर किस्मत का ग्रह, एंड आपको जो भी घर मिलता है
वो यस मैम, आप हमेशा से लोगों के रहे हुए घर में रहोगे। दूसरी चीज, आपके घर के बाहर या तो खाली मैदान या खाली जगह जरूर होगी, या आपके घर के बाहर जो है कोई ऐसा, मतलब आप कोई डेकोरेशन में कोई ऐसा पत्थर या ऐसी कोई चीज आप हमेशा, जैसे प्लांट पॉट होता है कोई बड़ा राउंड पॉट हो गया एकदम जैसे ग्लोब टाइप, उसमें तो ऐसी चीजें आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर जरूर आपको मिलेंगी। है क्या राइट ऐसा? मैम, यस मैम, राइट. माय हस्बैंड इज इन आर्मी, सो फर्स्ट थिंग इज करेक्ट कि जो भी घर हमें मिलता है वो उसमें कोई ना कोई रह के रहा होता है पहले. एंड सेकंड इज आल्सो करेक्ट कि डेकोरेशन के लिए मैं पत्थर वगैरह यूज करती हूँ गार्डन में. मैम ओके, तो अब आपको पता चल गया कि कहाँ से यूज करते हो आप इसको। ओके. एंड मैम एनी रेमेडी? नो रेमेडी, दिस इज किस्मत का ग्रह, आप इसको एनहेंस करो। शनि जो है, शनि ग्रह जो है, हम लोग उसको गलत देखते हैं। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपको लॉन्जिविटी देता है, जो आपको हार्म होने से बचाता है। अगर आपका किस्मत का ग्रह शनि है तो आप बहुत लकी हो। तो इसको तो मैम एज अ लक इसको साइन एनहेंस कैसे करेंगे? आप कर ही तो रहे हो एनहेंस। ओके, दिस इज ओके, ये डेकोरेशन पार्ट इज एनहेंस. हाँ, जो आप कर रहे हो वो ही एनहेंसमेंट आप कर रहे हो। बाकी सातवें खाने में शनि का होना क्या और करता है, जब हम आगे डिटेल से इस कोर्स को करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच. जी, यू आर वेलकम। श्री जी, आप अनम्यूट करके बात करें, जिनके सवाल हो गए हैं प्लीज हैंड डाउन कर लें ताकि हम अगले स्टेप पे जा सके, वरना हम पहले स्टेप पे बैठे रहेंगे। नमस्ते वेरी मैम. अच्छा वेरी गुड मॉर्निंग मैम. जी, जय श्री जी। एक सेकेंड, मैं श्री जी से अच्छा बात आपने करूं कुछ फिर नहीं आपसे बोला, मुझे आती लगा हूँ। मुझे कह रहे हो. ठीक है मैम, ओके. हाँ हाँ सॉरी जी, श्री जी पूछे। जी नमस्ते मैडम. एक्चुअली मैंने पहले भी लाल किताब सीखने का कोशिश किया था, शायद मेरा टाइम आया नहीं, इसलिए मैं सीख नहीं पाया. बट मुझे दो दिक्कत आई थी. एक है कि जितना भी किताब और ये सब है हिंदी में होती है. हाँ, तो इंग्लिश का एक बुक भी मैं लिया है, तो दिस इज वन प्रॉब्लम. और सेकंड जो है, आप लोग जो हॉरोस्कोप यूज करते हैं, हम लोग, आई एम फ्रॉम कोलकाता, वी आर यूजिंग द ईस्टर्न चार्ट, हाँ, तो ये ईस्टर्न हाँ चार्ट ना। ओके, नो प्रॉब्लम। आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो what I can do for you is that when I am reading it in Hindi, I will explain it in English also. And the second thing is that I will provide you the Eastern chart also where to see the everything. तो आपको अपने आप हेल्प हो जाएगी, क्योंकि पंडित जी ने, अगर आप इस किताब के पेज नंबर, आपके पास बुक है अगर, चाहे हिंदी की है चाहे इंग्लिश की है, अगर आप देखोगे तो उसमें उन्होंने सारी कुंडलियां दे रखी हैं कि भाई ये ईस्टर्न साइड की कुंडली है, ये साउथ इंडियन कुंडली है, ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है। तो उस हिसाब से हम सारी कुंडली इसको फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो जी, मच. बट अच्छा आई टेल ठीक. यू वन थिंग श्री जी, दैट लाल किताब आई हैव रेड इन मेनी लैंग्वेजेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड that I might find something new, but whatever I found, जो original in book थी उर्दू में, that is the fantastic book. Of course, काफी लोग नहीं read कर सकते उर्दू. I know how to read because of my दादा. तो वो but I'll still prefer कि एक आप set हिंदी भाषा का लेके रखें अपने पास, and when we are reading through the course, if you are joining, so then you will understand more better. You can write on each paper in the book itself in English. So what will happen is, going further, you will not need anything else to learn more in Lal Kitab. Yes, understood, man. And you will suggest the books, right? Yeah, that will be suggested. ओके, हिंदी समझ में मैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट पढ़ने में, हाँ पढ़ भी सकता हूँ बस. ये तो थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज है ना, थोड़ा हाँ डिफिकल्ट तो हो जाता है. वो आपको वर्ड बाय वर्ड पता चलेगा, क्योंकि दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस कोर्स, कि ऑल द इफ्स एंड बट्स, ऑल द रॉन्ग मिथ्स शुड वॉश अवे फ्रॉम द मार्केट नाउ। ओके.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। या यू आर वेलकम। प्लीज आगे अभी जो है ना 2 मिनट क्वेश्चंस को रोकेंगे, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, बाकी लोगों के जो है फिर वो ग्रह मिलेगा नहीं। अच्छा स्टेप नंबर टू, अब पहले हमने स्टेप नंबर वन में देखा था बंद मुट्ठी के ग्रह, 1, 4, 7, 10 खाने में, खाना मतलब हाउस, भूल जाओ राशियों को, राशि नहीं पढ़नी आपने, क्या नंबर लिखा है वहां पे, नो, यू हैव टू सी 1, 4, 7, 10 हाउस में, जो हमने देखा था कि भाई सूर्य, गुरु, शनि और मंगल। अब आपने क्या देखना है जिनका वहां नहीं मिला, अब स्टेप नंबर टू में देखो, अगर जिनका स्टेप नंबर वन में मिल चुका है और उसके बावजूद भी स्टेप नंबर टू में कोई ग्रह यहाँ बैठा है, यू विल नॉट कंसिडर इट एज किस्मत का ग्रह, यू विल ओनली कंसिडर द फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि सेकंड हाउस में चंद्रमा है अगर, तो चंद्रमा आपका किस्मत का ग्रह होगा। अगर छठे घर में बुध और राहु है, बुध या राहु है या दोनों है, उसमें से आपका राहु, जो हम हमें पंडित जी ने एक सीक्वेंस दी है, राहु पहले आता है बुध बाद में आता है, विषुवत्री दशा में भी आप देखोगे तो ऐसा है, तो राहु जो है वो पहला आपको मिलेगा और बुध आपको बाद में, अगर इनमें से कोई एक है तो आप उसको वो कर सकते हैं। दूसरा केतु 9th मैं हाउस मेरा में दोनों में अगर है, दोनों सिक्स हाउस में भी है, मून सेकंड हाउस में मून है और सिक्स हाउस में मरकरी दोनों है। तो आपका चंद्रमा ही किस्मत का ग्रह माना जाएगा, पहले दूसरा घर आया ना, हाँ तो चंद्रमा ही किस्मत का ग्रह माना जाएगा ओके मैम, थैंक जी। यू जी। केतु 9th हाउस में हो तो आपका केतु किस्मत का ग्रह माना जाएगा, और अगर शुक्र 12वें घर में हो तो आपका शुक्र ही किस्मत का ग्रह माना जाएगा। तो इनको इस हिसाब से आप देख सकते हो। जयश्री जी पूछें। मंगेश जी पूछे। हाँ हेलो। जी जयश्री जी, या मैम, मेरी तो सेम श्री जी वाली ही क्वेरी थी कि बिकॉज मैंने भी एक बार ही समुद्र शास्त्र कहते हैं ना शायद इसको, तो ये वाला शुरू तो किया था, बट वो ये कि समझ नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, बीच में क्विट हो गया। एंड सेकेंडली मैम, पहले तो आई वुड लाइक कि ये बुक्स मेरे पास हो, जैसा आपने कहा कि बुक्स का होना जरूरी है। तो अब तक दो जो एक बार ही पढ़ा था वो बिना बुक के पढ़ा था, बट यस टीचर वाज वेरी गुड, बट पता नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। तो क्या मैं इस चीज के लिए बनी हूँ, देखो मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही। तो वो आपका किस्मत ग्रह कौन है, मैम अभी तो मैंने अपना खोला ठीक ही नहीं, और इनमें से चारों में मेरे पास कोई ग्रह नहीं है, लाइक जो आपने है, बोला ना ये चारों ही है नहीं मेरे पास। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, आपने अपनी आपको अपना लग्न चार्ट याद है? यस मैम, सिंह लग्न से शुरू होता है एंड फाइव हाँ, बुध बुध कौन नंबर से, देखती हूँ। बुध कौन से हाउस में है, हाउस, हाँ बुध बुध मेरा वेट वेट अ मिनट, यस नहीं, मेरे को हमेशा डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मैम मेरे साथ ही है, छोड़ ऑलमोस्ट थर्ड में हूँ, एंड के मंगल विथ नहीं, राहु इन 12th। बुध कहाँ है, मरकरी इज प्लेस्ड इन विच हाउस। हम 1 मिनट में बता रही हूँ। मंगेश जी आप पूछें जब तक। हाँ मैम, सेम क्वेरी था, मेरा सन लग्न में ही है और मैं ये कोर्स कर पाऊंगा? बुध कहाँ है, बुध सेकंड हाउस में, कर पाएंगे, और सन फर्स्ट हाउस में मैम, तो वो भाग्य का यानी ग्रह हो गया। हाँ। और छठे घर में कौन है, छठे घर में कोई भी नहीं है, 10वें घर में कौन है, नहीं कोई नहीं है, 12वें घर में कौन है, बस कोई भी नहीं। कर सकते हो आप, आ जाओ। ओके मैम, और सन मैम फर्स्ट हाउस में होने से कोई बेनिफिट्स?
बेनिफिट्स तो है ना, सन आपका ताकत का ग्रह है, इसको आप बढ़ाओ। सूर्य को कोई इम्पोर्टेंट काम पे जाते हो, ऑरेंज कलर की कैप पहनना शुरू करो, आपको फेम नेम सब मिल जाएगा। और मानिक मानिक रूबी पहन लिया तो? मानिक को पहनने के जो चीजें हैं, इस लाल किताब में हमें जो स्टोन्स पहनने की बात कही गई है, वो हम थोड़ा वर्ष फल से देख के जानते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, जी चलेगा, जी ओके। यस मैम, आई गॉट इट। मेरा थर्ड हाउस में मरकरी है अलोंग विद वीनस। वेरी गुड, तो क्यों नहीं कर सकते आप? कर सकते हो, थोड़ी मेहनत लगेगी जयश्री जी आपको, बिकॉज आपका दिमाग बहुत जगह घूमता है। यस मैम, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, हाँ वो भी कर लूँ, ये वाली भी हिट हाँ रहती तो है मेरी। इसीलिए एक विद्या को पकड़ें जो आपको इंटरेस्ट करती है, आप बैठ के सोचें और फिर, लेकिन हाँ एज अ लाल किताब के लिए इसको आप कर सकते हो, नो इश्यूज। ओके मैम, बाकी मेरे आपकी सारे ग्रह जुपिटर, सन, सैटर्न, प्लूटो एंड मून सब सेकंड में अभी। आपके आपके बाद आपकी बहन है? नहीं मैम, कोई नहीं है। नहीं भाई है, दो भाई, मंगल कहाँ है? मंगल 12th में। ओके, उनका किसी का बाहर से कोई काम है? भाई का नहीं है, सच तो किसी का भी नहीं, एक बिजनेस भाई है? सीए और एक भाई बिजनेस कपड़ों का। यस मैम, हाँ ठीक है, तो आपका जो शुक्र है साथ में तीसरे घर में, उसकी वजह से आपके भाई का कपड़ों का काम। ठीक है, ओके। तो वो चल आपको बहुत ज्यादा। बेटी बेटी है आपको? यस मैम, हाँ ठीक है, कर सकते हो आप। ठीक है मैम, कर लूं पक्का। जब तक फिर मैं करो आपको करो। छोड़ूंगी, जब तक मैं पक्का पूरी तरह से नहीं सीख जाऊं। देखो मैंने किताब पढ़ानी है, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाती थी ना हमें बचपन में, मैंने इस तरीके से आपको लाल किताब पढ़ानी है। अब आपको जो है मेहनत सबको करनी पड़ेगी, मुझे भी मेहनत करनी है आप लोगों के साथ, और आपको खुद भी मेहनत करनी है अपने साथ। तो अगर जी मैम, आप मेहनत करने को तैयार हो तो मैं आपको मेहनत करवाने को तैयार हूँ। ठीक है मैम, मेहनत तो करेंगे नो डाउट, बट प्रेडिक्शंस कर पाएंगे? क्योंकि इतनी सारी चीजों को याद रख पाना एट टाइम्स, किसी की भी कुंडली देखते देखो, तो बहुत सारी चीजों को याद याद रख रखते। पाने का, याद रख पाने का एक ही आसान तरीका है कि जो नॉलेज हम लेते हैं उसको बार बार थोड़ा सा रिवाइज करते रहें। अगर हम ये सोच लें कि भाई कोई भी कोर्स करने के बाद मैं एकदम से मास्टर बन जाऊंगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आज तक नहीं बन पाई। मेरे को आज भी ऐसा लगता है तो कि मेरे पास कुछ छूट रहा है, मुझे और कुछ जानना है। तो ये चीज सोच के अगर आप कोर्स में बैठोगे और उसको अपने हिसाब से भी मेहनत करते रहोगे, आप जरूर आगे बढ़ जाओगे। ठीक है मैम, आई ट्राई माय लेवल और बेस्ट। मैं हम तो सबको क्या है कि एक चीज लाल किताबी को एक जरूर चीज करनी चाहिए, रीड करने की आदत जरूर अपनी डालनी चाहिए। जिन मैम, ये लोगों बुक को हमें कहाँ से मिलेगी? रीड करना पसंद है या जो, हाँ बुक, ये वाली बुक, लाल किताब, ऑनलाइन? आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से भी ले सकते हो और बुक शॉप से भी ले सकते हो। इस बुक की डिटेल्स मैं आपको पिक्चर्स के साथ डाल दूंगी, और हाँ बाकी हाँ आप एकेडमी से भी संपर्क कर सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक जी यू मैम। अभी प्लीज वही लोग हाथ खड़ा करें जिनका सेकंड स्टेप में किस्मत का ग्रह निकल कर आया है। बाकी जो सवाल हैं रिलेटेड, वो थोड़ी देर के बाद हम लेंगे, क्योंकि अगर ये थ्योरी पार्ट खत्म नहीं हुआ तो हमारी क्लास जरूर खत्म हो जाएगी और काफी लोग नाराज रहेंगे फिर। तो प्लीज वही लोग हाथ खड़ा करें जिनका सेकंड स्टेप में ग्रह निकल के आया है, जिनके चांसेस हो चुके हैं। तविशा जी, रेणु जी हाथ नीचे कर लें, पूनम जी हाथ नीचे कर लें, आपको लाल किताब आती है, हाथ नीचे मैम, करें। मेरा मेरा मैं हाथ नीचे क्यों मैम करूं? मेरा सेकंड हाउस में मून है, इसीलिए नहीं, तो मैंने मैंने क्या दोबारा कहा? किया। नहीं तविशा जी, नहीं, जो पहले मिल गया बस वही आपका किस्मत का ग्रह है, सेकंड में थर्ड में कुछ भी आने दो। पहले तो अच्छा मेरा ओके, मिला ही नहीं, सेकंड आपने तो हाउस में, बोला अच्छा सेकंड स्टेप में आपका, मिलेगा हाँ तो सेकंड हाउस में आपका मून है, जी। ठीक है, तो मून आपका किस्मत का ग्रह है, चांदी पहन के रखें और मदर के थ्रू आपको फायदा होगा। आपकी जो मदर की साइड है वो आपके लिए हमेशा थोड़ी प्रोमिनेंट रही है,
नहीं मेरे को, मुझे अब वो जाके 46 उम्र में जाके प्रोमिनेंट हुई है, बाकी उससे पहले तो कुछ नहीं था, मैं ओके हमेशा घर से अलग ही रही हूँ। नहीं, आप घर से अलग रहे हो लेकिन हाँ आपके पास कभी भी आपके मतलब आपको एक आदत है पैसे जोड़ने की, मैम, जितना जोड़ती हूँ तभी खर्च हो जाता है, खर्च वो होता है तो खर्च हो आता जाता है। है, वो तो बाकी 10वें घर से पता चलेगा खर्च कहाँ कर देते हो आप। लेकिन जो सेकंड हाउस है, ऐसा इंसान जो है वो उसके पास पैसा जो लिक्विड कैश है वो कहीं ना कहीं से आता ही है, उस हाँ इंसान वो को कहीं ना कहीं चंद्रमा से आ को, जाता है। हाँ तो चंद्रमा के लिए आपको चांदी को ज्यादा महत्व देना है, मदर की मदर अगर है तो उनका आशीर्वाद लेते रहो, चंद्रमा बढ़ता रहेगा और आपकी किस्मत भी बढ़ती रहेगी। और मैम जैसे मेरा जो बुध ग्रह है वो 12th हाउस में है, तो नहीं जैसे उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, अभी सिर्फ आपने किस्मत का ग्रह देखा है, ठीक है? तो मैं ज्वाइन कर लूँ ना ये कोर्स? बिल्कुल कर लो, क्या हो गया आपको, वैसे आप तो तो बाकी भी मैं चीजें इसकी करते हो। वेट कर रही थी, मैं वेट कर रही हाँ थी इस कोर्स की। मैंने बुक ऑलरेडी 2 महीने पहले ही खरीद के रखी हुई है, नहीं सड़क जाके, कि कोर्स वेरी आएगा गुड, तो मैं ज्वाइन करूंगी। करो करो ज्वाइन। आप मेरे साथ नहीं, केपी केपी में थे? हाँ में थी बस, केपी में। आप केपी में ही तो आपने बोला था कि इस कोर्स के बाद मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर टू चैप्टर। आप विश्वास करेंगे, केपी कोर्स के जाते ही मैं नई सड़क गई और किताब ले आई कि मैम का कोर्स आएगा, मैंने ज्वाइन कर लिया चलो ठीक है, जिस दिन फिर हम आपने आपको कहा नेक्स्ट था। क्लास में, देखेंगे। बिल्कुल देखना ही है ठीक मुझे। जी मैम, मुझे है, पूछना थैंक्स। था, जैसे मैंने इतने कोर्स किए मैम, लेकिन मेरा कुछ वर्कआउट नहीं हुआ इतना, मतलब उसके ऊपर मैंने काम नहीं अच्छा कर पाई मैं, ऐसे कि कुछ ना कुछ विघ्न आते पूनम गए और जी, बस रुक जो गया। कोर्स, हाँ जो कोर्स के अंदर एक चीज मैंने आपको पहले बनाने को बोली थी वो बनाई थी, क्या? नहीं, याद नहीं की बताओ। अब याद नहीं है तो उसमें मैं तो पूछ नहीं कर सकती ना। क्या मैंने बनाने जो का? जो फर्स्ट सुहाड़ा। क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं हाँ, उनको उनको याद है, मैंने लाल एक कपड़ा और वो ऐसा, सुहाड़ा। नहीं लाल कपड़ा नहीं, वो ऐसा बनाने को बोला था, बनाया था। फोटो और 9 छुहाड़े हाँ किया था, नहीं किया जब तो नहीं नहीं था। किया तो पहले वो करो फिर आप ज्वाइन करना। बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट क्लास में जब बैठेंगे तो उनको ये मैं बता नीति दूंगी, ठीक मैम, है? एग्जैक्टली इसलिए मेरा दुख रहा है क्या? हर कोर्स को किसी के कोर्स करती हूँ, किसी के कोर्स की। एग्जैक्टली लाल किताब का ये सबसे बड़ा एक चीज है जो आपके साथ होना ही चाहिए। मैं इतनी क्लासेस लेती हूँ, ये मेरा जो वर्क स्टेशन है मेरे पास वो सामने साल हो गए वैसे का वैसे ही बना रखा है, उसको वही आपको ये नॉलेज देता है कि कोर्स जो आप इकट्ठा कर सकते हो वही आपको देता है, तो ठीक इसीलिए है? मुझे पूछना था आपसे, क्योंकि मैं इतना कोर्स किया किसी हाँ ने वो कहा करो कि आप। अच्छा ठीक है। और नीति मैम, वो मेरा भी फर्स्ट हाउस में हाँ सूर्य है और सेकेंड हाउस में चंद्र है, तो भी मतलब किस्मत का ग्रह तो है, तो भी क्यों ऐसा हो? उसी को एनहेंस करो जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में एग्जैक्टली हूबहू। आपने तो लाल किताब इतनी करी है पूनम जी, क्या हो गया आपको? लेकिन एकदम से 2 साल सारे कुछ बंद हो गए। आपने इतना हाँ तो अच्छा फिर सिखाया था, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम थे तो सब कुछ बंद हो गया मेरा। अभी अभी वापस सोच रही हूँ आपसे वापस ज्वाइन करूँ। चलो कोई बात नहीं, पहले इसको बना लो, आपको पता है कैसे बनाना है, फिर आप क्लास हाँ, में आ जाओ। जी ओके, थैंक यू मिस्टर जी, थैंक यू। जी अरुण कुमार जी पूछें। नमस्ते मैडम। जी मेरे ना 4th हाउस में बृहस्पति भी है और शनि भी है, तो मैं क्या करूं उसमें? डजेंट मैटर, आपको गुरु को ही बढ़ाना है, उसके लिए कोई उपाय? उपाय कुछ भी नहीं। गुरु के लिए आप जो है सोना पहनो, ठीक है? सोने के चेन गले में पहन सकते हो और अपने साथ अपने पर्स में जो है हल्दी की गांठ या हल्दी थोड़ा सा पैकेट में रख सकते हो, या सफेद चकोर रुमाल पे हल्दी की ऐसे छींटे देके गुरुवार वाले दिन उसको इतना स्क्वायर का जो छोटा सा ही स्क्वायर हो, 1 इंच या 2 इंच बाय 2 इंच का स्क्वायर कपड़ा व्हाइट, उसके ऊपर हल्दी की दो छींटे देके
उसको फोल्ड करके अपने पर्स में रख सकते हो। आपका गुरु जो है चौथे घर में काम करना शुरू हो जाएगा। चौथा घर किस चीज का है? चौथा घर आपको लग्जरीज, घर, सारी चीजें जो बेस है हमारी खड़े रहने की, जमीन जी की, वो चौथा घर है, तो वो आपको उसमें एनहांस हो जाएगा। बाकी लोग भी जिनके गुरु चौथे घर में है उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लगभग 10-12 साल से मकान ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं मिल पा रहा मुझे। हाँ तो कोई बात नहीं, आप वर्ष फल, समय जो है वो बहुत ज्यादा बलवान है। समय में जो चीज जिस समय लिखी है वो तभी होना है, लेकिन ये उपाय करके गुरु जो है वो आपके चौथे घर में है, शनि साथ में बैठे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपको पुराना घर मिलेगा, थोड़ा सा रन डाउन मिलेगा जिसको आपको रेनोवेट कराना पड़ेगा। जी कोई बात, मिलेगा तो सही ना जल्दी से। हाँ हाँ मिलेगा, शनि चौथे घर में है, घर तो देंगे, देर से देंगे लेकिन देंगे जरूर। मुझे वही लग रहा है कि देर से देंगे, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हो चुका हूँ। थैंक हाँ मिल जाएगा आपको जी। यू जी, धन्यवाद। डॉक्टर विजय जी, आपका सवाल हो चुका है, थोड़ा सा मैं आगे थर्ड स्टेप मैडम पे जा एक रही हूँ चीज अभी। पूछना चाहता था, अगर नौ हाँ मान जी, का चौथे घर में आ जाए गुरु, तो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या 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 दोबारा पूछें। जैसे आपने बोला ना, अभी चौथे घर में जो है वो गुरु उच्च का हो जाता हाँ जी, तो अगर वो नवमांश में हो तो भी नहीं, लगन। लगन ही देखेंगे। हाँ जी ठीक है मैडम, थैंक यू। जी मैम, हेलो मैम, मेरा एक अंकिता क्वेश्चन देसाई। है, मेरा 6th हाउस में राहु है। हाँ तो आपका राहु जो है वो इसका ग्रह, किस्मत का ग्रह है। ओके, तो वैसे तो आई वेयर ब्लू कलर आल्सो, बट अभी तक उतना पॉजिटिव इफेक्ट मिला नहीं है मुझे। क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी जो है 37। हाँ तो रुक जाओ, 42 के बाद किस्मत बदलेगी। ओके। जी जी अंकिता जी पूछे। हाँ जी मैम, मैम सेम क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा भी 6th हाउस में ही राहु है, तो आई जस्ट वांटेड टू नो जैसे कि राहु का, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि राहु का किसी भी घर में होना कुछ खराब होता है या क्या होता है, तो मतलब नहीं, ऐसा कुछ एनीथिंग। नहीं है, देखो कोई ग्रह खराब नहीं है, ऊपर वाले ने जो ग्रह आपके पास बिठाए हैं वही आपकी एक कुंजी है, सीक्रेट है, जो आपको कोड अनकोड करना है अपने लिए। अगर राहु आपका छठे में है तो आप जो है, ऐसा नहीं है कि भाई खराब और या किसी तरीके से, लेकिन आपके साथ राहु प्रधान चीजें बहुत होती हैं आपको। एक तो जो जब भी जिनका राहु छठे घर में होता है, उस घर की नॉर्थ साइड जो है, नॉर्थन साइड में हमेशा आपके घर में थोड़ा सा अंधेरा ही रहेगा, सूर्य की किरणें थोड़ी कम आएंगी वहां पे, या आपकी तरफ से नॉर्दर्न साइड जो होगी, नॉर्थ जो होएगा आपके घर का, वहां कोई खिड़की नहीं मिलेगी। एक्चुअली मैं रहती हूँ सारे गवर्नमेंट हाउसेस में, तो मतलब एंड अभी मेरा तो अपना हमने घर नहीं लिया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी पोस्टिंग कहीं ना कहीं हाँ तो ऐसे रहती है, तो अगर मैं वो हाउ इट लुक जो, लाइक। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है तो उस घर में आप देखोगे कि भी नॉर्थ जो साइड है वो थोड़ी सी डार्क रहेगी। जिस घर में ओके। आप अभी भी रह रहे हो, या तो उस घर में आपको नॉर्थ में बाथरूम मिलेगा, WC मिलेगा, या आपको उस घर में थोड़ा सा जो नॉर्थ का जो साइड रहेगा आपका, वो दीवार आपको वहां पे थोड़ी चिप मिलेगी, या थोड़ी सी सीलन टाइप, मतलब वो पुरानी सी एक एक कोना आपके घर में कोई पुराना सा होगा। एंड मैम, जैसे मेरी जब राहु की दशा चल रही थी, तो आई यूज टू बी स्केर्ड अ लॉट, तो जब मतलब वो डिपेंड करता है कि राहु की जब दशा चल रही थी तो उस समय वर्ष फल क्या था। भाई राहु आपका किस्मत का ग्रह जरूर है, लेकिन जब आपको उसकी दशा आई तो उस समय वर्ष फल क्या रहा। क्योंकि तो मतलब कई जितना भी बार वो, क्या होता है कि ये भी एक चीज है हम लाल किताब में, कि जो आपका किस्मत का ग्रह निकल कर आता है वो किस्मत का ग्रह कई बार आपके धोखे का ग्रह भी बन जाता है, तो दोनों चीजें साथ में हो रही होती हैं।
तो ये जो फॉर्मूलाज हमें दिए गए हैं लाल किताब से, उसको हमें फॉलो करना है कि भाई मान लो अगर आपका राहु छठे में है और आपका वो किस्मत का ग्रह निकल के आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका धोखे का ग्रह या बुध का भेद भी बन जा रहा है, तो भी आपको उसके थ्रू उसके उपाय करने ही पड़ेंगे। लेकिन राहु का उपाय लाल किताब में पंडित जी ने खुद कहा है कि भाई जरा संभल के देना, ऐसे नहीं है कि तू राहु के उपाय धड़ाधड़ बांट रहा है। कोला पानी में डाल दो या लेड को पानी में बहा दो। आप जरूर देखना कि जो एस्ट्रोलॉजर्स ज्यादा ऐसी लेड की या कोयले की उपाय देते हैं, वो खुद बहुत दुखी रहते हैं। उनके घर में खुद राहु जो है उधम मचा के रखता है। तभी काफी लाल किताबी जो है वो इस लाल किताब को प्रैक्टिस करते हुए छोड़ के भाग जाते हैं, या वो लोग जो हैं वो इससे डरते हैं बहुत। मेरे घर में ही मेरे कजन्स हैं जो बहुत अच्छे लाल किताबी हैं, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है और जिन्होंने बिल्कुल जो मेरे से बहुत बड़े उम्र में है, और उन्होंने तो दादा और हमारे काफी जो पंडित जी के जो पोते और वो सब के साथ बैठ के लाल किताब को सीरियसली पढ़ा है। वो खुद ही इतने डरते हैं क्योंकि अगर उन्होंने गलत राहु को वो कर लिया तो उसमें प्रॉब्लम आती है। उसके लिए क्या हिदायत है आपके लिए, वो भी लाल किताब के आपको खुद चैप्टर टू चैप्टर में पता चलेगा। तो इसमें यही सेफ चीज है कि भाई वी शुड गो अकॉर्डिंग टू द वर्ड बाय वर्ड, उससे आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। मैम अभी मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे एक जन ने सजेस्ट किया था लीड की गोली आपके पास रखनी है, जो हाँ राहु की लीड की गोली आती है, तो उसको जब भी मैं हाथ में पकड़ती हूँ अलग टाइप की एनर्जी रहती है, मतलब एकदम से यू नो बॉडी में कुछ फील होता है, लाइक आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, एंड प्लस वो जब से रखा हुआ है आई एम नॉट एबल टू एनहांस माई सेल्फ। एग्जैक्टली। तो आपका राहु छठे का है क्या? हाँ जी छठे का है। तो वो जो लेड की गोली उसने लगवाई है वो आपका बुध का भेद भी राहु है, तो आपके लिए राहु छठे का होने के बावजूद भी राहु आपको उतने रिजल्ट्स नहीं देगा। अब इसको कैसे आप अनकोड करोगे वो आपको लाल किताब बताएगी। ओके ओके जी चले एक बार स्टेप थ्री को देख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस लूंगी जब तक बाकी लोग स्टेप थ्री को ढूंढ लेंगे। अब जिसका स्टेप वन और स्टेप टू में नहीं निकला, ये जो ग्रह हैं ये कहीं आपको 12 घरों में मिल जाएं तो आपका स्टेप थ्री पर किस्मत का ग्रह मिल गया। यानी मंगल अगर पहले घर में बैठा हो, मंगल पहला या आठ में बैठा हो, यानी अपनी राशियों का मंगल हो पहले, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है, जरा ध्यान दीजिएगा इसको। काल पुरुष की कुंडली में पहला साइन एरीज का लॉर्ड मंगल होता है और आठवें साइन स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है वो मंगल होता है। अगर मंगल एक या आठवें खाने में बैठा है तो उसको हम किस्मत का ग्रह कहेंगे। अगर शुक्र सेकंड साइन में या सेवेंथ साइन में, यानी दूसरे घर में या सातवें घर में, साइन छोड़ दो घर देखो, सेकंड में या सातवें उसमें बैठा है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये 12 साइंस बने हुए हैं। अगर उनके ग्रह अपने अपने ही साइंस में, यानी राशि कोई भी लिखी हो वहां पे, लेकिन वो इन खानों में आके बैठ जाएं तो वो आपका किस्मत का ग्रह बन जाएगा। अंकिता जी पूछें। निखिल जी पूछे, भाई आप पूछते हो तो थोड़ा मैम वीडियो ऑन कर लिया कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दीवार काली दीवार से बात कर रही हूँ। ओके मैम सैटर्न सॉरी सन हाँ एंड जी मरकरी, फिफ्थ हाउस में सन है एंड मरकरी जो है सिक्स्थ हाउस में। ओके। तो इस केस में सन जो है वो फिफ्थ हाउस में जो है वो आपका किस्मत का ग्रह माना जाएगा। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर फिफ्थ हाउस में सन है तो नाइन्थ हाउस में कौन है? मंगल ओके। और इलेवेंथ में खाली है। ओके खाली है, तो आपका सन ही किस्मत का ग्रह माना जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और दीजिए मुझे कि 12वें घर में कौन है? खाली खाली है। है, हाँ, तो सन ही आपका किस्मत का ग्रह। एक मुझे बात बताओ कि आपके फादर जो हैं कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब में थे या जी कोई गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग है। जॉब में?
टीचिंग जॉब में थे? गवर्नमेंट जॉब में है अभी फिलहाल में, और पहले प्रेस वगैरह में थे, और ठीक है, अभी यदि तो आप, लेंगे तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हाँ बस आपका सूर्य ही किस्मत का ग्रह है, सर पे ऑरेंज टोपी पहन के किसी भी काम को करोगे हो जाएगा ओके okay। जी। ठीक है, और मरकरी यहाँ पे मरकरी का क्या रहेगा? को छोड़ दो, भूल जाओ। ओके okay। शिवाय मरकरी से जो भी रिलेटेड है वो क्लास में, क्योंकि इतने लात खड़े हैं कि टाइम होता जा रहा है, मुझे स्टेप पूरे करने हैं, सॉरी जी। ओके ओके सिद्धार्थ जी पूछे, जिनके कैमराज ऑन है उन्हीं की मैं अभी कॉल उठाऊंगी। अनम्यूट कर लें आप, सिद्धार्थ जी अनम्यूट कर लें। विजय जी आप तो नहीं भी ऑन करोगे तो भी मैं अभी, सब्र करें, आपके पास आ रही हूं। हाँ जी सिद्धार्थ जी, हाँ। सेकंड स्टेप में मैम राहु है 6th हाउस में, हाँ और थर्ड स्टेप में शनि है 10th हाउस में। नहीं वो छोड़ दो, सेकंड स्टेप में राहु है 6th हाउस में, 12वें घर में कौन है? 12वें घर में सूर्य है, मंगल है, बुध है और केतु है। हाँ, तो यहाँ पे राहु होके भी आपका किस्मत का ग्रह आपको किस्मत से लेखा नहीं दे रहा, बल्कि आप जितनी बार भी कोई भी काम करने निकलते हो या कोई उम्मीद आपकी बनती है तो वहां पे टूट जाती है उम्मीद। लेकिन आपका किस्मत का ग्रह राहु होने की वजह से आपको जो है चीजें थोड़ी डिले हो जाती हैं। इसका यही उपाय है कि आपके घर में जो नॉर्थ साइड है, जो नॉर्थ की जो साइड है, वहां पे कोई बाथरूम WC नहीं होना चाहिए, वहां पे रोशनी को रखें, यानी कि वहां पे साफ सफाई रखें, और अपने गले में चांदी की चेन पहन के रखें। उससे आपके ये जो राहु छठे घर में जो चांदी किस्मत का ग्रह है, हाँ जी जी मैम किस्मत का ग्रह राहु बनता है, वो आपको काफी मदद दे जाएगा, जी मैम यानी वो जो गलत कर रहा है वो सही कर लेगा। ठीक है, हाँ हेलो जी, हेलो हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ हेलो अनम्यूट करके बात करें। हेलो मैम नमस्ते, मैं कपिल चावला। हेलो मैम, हाँ जी वीनस जो है वो 7th हाउस में है, तो ओके, वो तो किस्मत का ग्रह बनता है थर्ड, उसके अंदर थर्ड स्टेप हाँ में। मैम ओके okay। क्वेश्चन मेरा ये है कि एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंसेस में क्या ग्रोथ रहेगी अगर मैं ये कोर्स ज्वाइन करता हूँ, तो इसमें कुछ आप हेल्प कर सकते हो मेरे? बुध कहाँ है? तो बुध भी सेम 7th में, मंगल फिर तो अच्छा है। और मंगल? चौथे में, राहु ओके देखो के साथ है। आपका, हाँ तो राहु के साथ है मंगल, और राहु जो है चंद्रमा के घर में है। मंगल यहाँ पे बहुत बुरा माना जाता है लाल किताब के हिसाब से, लेकिन आपका शुक्र और बुध जो है वो 7वें घर में होने की वजह से आपको ये कहा गया कि भाई तू बिजनेस कर या तो बीवी या बेटी के नाम पर। और चौथे घर का जो मंगल है वो नीच होने की वजह से, राहु के साथ होने की वजह से चंद्रमा को आपको ज्यादा बल करना है। चंद्रमा कहाँ है? मैम 1 सेकेंड, चंद्रमा 9वें में, सॉरी 9वें 9वें में? क्या, 7, 8, 9, हाँ जी 9वें घर। ओके हाँ, तो चंद्रमा को आप बल दीजिए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, और अपने बिस्तर पे जो है सफेद चद्दर, मतलब चंद्रमा की चीजें, ठंडी चीजों को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन 7वें घर में जो आपके दो शुक्र और बुध बैठे हैं उसके हिसाब से आपको जो है आप बिजनेस व्यापार में जा सकते हो, लेकिन अपने नाम पे नहीं, बीवी या बेटी के नाम पे जा सकते हो। दूसरा रही बात ऑकल्ट साइंसेस से, तो चौथे घर में मंगल होने की वजह से सामुद्रिक रिलेशन जो आपका बनता है इस विद्या से आप कर सकते हो। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी अड़चन आएगी, लेकिन आप कर पाओगे। मैम इसमें एडिशनल एक तो जो आपने कहा कि वाइफ और या बेटी, बेटी तो है नहीं, वाइफ है वो गवर्नमेंट में है, टीचर है, उसके नाम पे भी नहीं कर सकता।
तो और कुछ उपाय? ठीक किसी लेडी के नाम पे ही आपको करना है है बिजनेस मैम, ओके, इससे जी। रिलेटेड नहीं पूछूंगा मैम। हाँ एट हाउस में सैटर्न और सन भी है, तो सैटर्न एट में होने की वजह से अकल्ट में कुछ हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा। शनि आठवें घर में होना एक अपने आप में इंडिकेशन देता है कि आप सीक्रेटिव जो विद्या होती है, ये सीक्रेटिव विद्या है ना, कि भाई इसमें ऐसा नहीं है कि हर चीज क्लैरिटी में लिखी है, कोई प्रिंसिपल्स हैं या फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे आपको हर बार जो है खुद एजम्पशंस आनी पड़ती है या खुद इसको पढ़ के सीखना पड़ता है, तो वो शनि की वजह से है। तो शनि आठवें घर में होने की वजह से आप बिल्कुल कर सकते हो। और इसमें एक ऐड और कर रहा हूँ, 10वें में केतु है। ठीक, डजेंट मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं। बेटा है आपको? हाँ जी बेटा है। ठीक ओके ठीक है मैम, थैंक यू, आई है, होप आई विल जॉइन योर केयर बोर्ड। श्योर, मोस्ट वेलकम। अभी इसके अंदर जो है, अभी नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आप देखोगे उसको आप ध्यान दीजिए। मान लो कि भाई हमारा थर्ड स्टेप में भी कहीं किसी का नहीं मिला, अपने अपनी राशियों में काल पुरुष के हिसाब से ग्रह नहीं बैठे हुए थे। अब जो है फोर्थ स्टेप, जो लास्ट स्टेप है हमारा, उसको पहचाने। खाना नंबर 9 यानी 9th हाउस का जो ग्रह होगा बैठा हुआ, वो तेरी किस्मत का ग्रह होगा। मान लो 9th में कोई नहीं है, उसके बाद खाना नंबर 3 में जो ग्रह जो भी बैठा हो वो तेरी किस्मत का ग्रह होगा। मान लो कि खाना नंबर 3 भी खाली है, थर्ड हाउस भी खाली है, फिर उसके बाद खाना नंबर 11 इलेवेंथ हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। खाना नंबर 5 इलेवेंथ, मान लो कि 9, 3, 11 में कोई नहीं बैठा, फिर 5th हाउस में अगर कोई ग्रह जो भी बैठा हो वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। मान लो 9, 3, 11, 5 में कोई भी नहीं बैठा, 2nd हाउस में कोई बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। मान लो 9, 3, 11, 5, 2 में कोई नहीं बैठा, कोई भी नहीं है इंक्लूडिंग राहु केतु, तो आपका कोई भी किस्मत का ग्रह अप टू 2nd हाउस निकल के नहीं आता। लेकिन 6th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हुआ तो आपका किस्मत का ग्रह 6th हाउस से होगा। मान लो 9, 3, 11, 5, 2, 6 में कोई नहीं बैठा, फिर 12th हाउस पे देखो कि 12th हाउस में कोई बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। मान लो कि 12th हाउस तक भी 9, 3, 11, 5, 2, 6, 12 में कोई नहीं बैठा, तो 8th हाउस में जो ग्रह बैठा होगा वो तेरी किस्मत का ग्रह होगा। ठीक है, अब 4th स्टेप को आपको ध्यान से देखना है कि भाई हमने शुरू किया था फर्स्ट स्टेप से, बंद मुट्ठी का ग्रह सूर्य, गुरु, शनि और मंगल 1, 4, 7, 10 यहाँ पे होने ही चाहिए। ये सेम टू सेम ग्रह, इनके साथ कोई और बैठ सकता है नो प्रॉब्लम, लेकिन ये ग्रह इन्हीं घरों में होने चाहिए तो आपका किस्मत का ग्रह होता है। दूसरे स्टेप में हमने बोला कि भाई पहले घरों में, पहले जो बंद मुट्ठी थी 1, 4, 7, 10 की, वहां कोई ग्रह नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो। सेकेंड स्टेप में देखो क्या चंद्रमा दूसरे घर में है, या बुध राहु, या बुध में से राहु हो या दोनों हो, उसमें कोई छठे घर में है, केतु 9वें घर में है या शुक्र 12वें घर में, इन चारों में से एक भी होए जो पहले मिलेगा, जो खाना 2, 6, 9, 12 में से जो खाना मिलेगा वही खाने वाला जो ग्रह होगा, जो यहाँ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वही आपका किस्मत का ग्रह होगा। तीसरे स्टेप में हमने कहा कि मान लो कि बंद मुट्ठी खाली थी, दूसरा छठा और जो 9वां और 12वां घर भी खाली था। अब उसके बाद ये राशियों के हिसाब से आपको ग्रह बिठाने हैं कि भाई आपकी जो काल पुरुष की कुंडली है यहाँ पे फर्स्ट साइन आता है क्योंकि जिसका लॉर्ड मंगल है, सेकंड में जो है टॉरस साइन आता है जिसका लॉर्ड वीनस है, थर्ड में जेमिनाई आता है जिसका लॉर्ड मरकरी है, फोर्थ में कैंसर आता है जिसका लॉर्ड मून है, फिफ्थ में सन आता है जिसका लॉर्ड फिफ्थ में लियो आता है जिसका लॉर्ड सन है, सिक्स्थ में मरकरी आता है जो वर्गो है, सेवेंथ में वीनस आता है लीब्रा, 8th स्कॉर्पियो अगेन मंगल। तो ये काल पुरुष की कुंडली है, इस हिसाब से आपकी
ये काल पुरुष की कुंडली, इस हिसाब से अगर ग्रह अपने खाने में बैठा है, राशि छोड़ दो, वहां पे 7 लिखा हो, 9 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसको छोड़ दो, इस हिसाब से अगर ग्रह बैठा है तो आपका ये किस्मत का ग्रह बनेगा। मान लो इसमें से भी कोई नहीं निकला, तो फोर्थ स्टेप के ऊपर आपको खाना नंबर 9 में कोई है तो वो 3, 11, 5 इस सीक्वेंस में आपको जाना है, तो उस हिसाब से आपका किस्मत का ग्रह बनेगा। अभी मुझे खाली वही लोग हैंड रेस करें जिनका स्टेप नंबर 3 में निकल कर आया है ग्रह, प्लीज वही लोग हैंड रेस करें। फोर्थ स्टेप पे मैं अभी थोड़ी देर के बाद आऊंगी। मैडम हाँ जी, मेरा मीन नहीं, लग्न है और वृषभ में वीनस है। आप राशि से मत देखो, जो ग्रह जिस तरीके से, थर्ड हाउस में वीनस है। नहीं, थर्ड हाउस में वीनस जो है वो आपका कौन से स्टेप की बात कर रहे हो आप? फोर्थ स्टेप का। फोर्थ स्टेप का ना? हाँ, अगर फोर्थ स्टेप की बात कर रहे हो तो आपका थर्ड हाउस में अगर वीनस है तो वो आपका ग्रह, किस्मत का ग्रह निकल के आता है, प्रोवाइडेड कि फर्स्ट 1, 2, 3 वाले स्टेप में कोई ग्रह नहीं मिला, करेक्ट? यस मैम। हाँ, तो वीनस इज योर किस्मत का ग्रह। वीनस और सैटर्न दोनों भी है, मगर पहले वीनस है, बाद में सैटर्न हाँ, तो ठीक है, तो वीनस आपका किस्मत का ग्रह है। है। ओके जी, क्या करना। कुछ नहीं करना, आपका वीनस इस किस्मत का ग्रह, आपकी जो किस्मत है वो आपके हस्बैंड से जागी हुई है, उसको जगाए रखो, हस्बैंड को जो है सेवा करते रहो उनकी। जी ऋतु जी, पूछें। गुड आफ्टरनून जी मैम, मैंने फर्स्ट वाले स्टेप में मैम, मेरा ना फोर्थ में गुरु और मैम मंगल है, मैम चंद्र, सॉरी चंद्र। हाँ, तो आपका गुरु जो है वो ये है किस्मत का ग्रह। तो मैम मुझे मुझे भी मैम ये हीलिंग्स में या आपस में कुछ करना है तो मैम कुछ कर सकती हूँ मैम? बिल्कुल कर सकते हो, अगर चंद्रमा भी साथ में बैठा है तो यू आर अ वेरी फॉर्चुनेट पर्सन, बिल्कुल कर सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैम स्टेप नंबर 3 में बोला ना आपने, मेरा स्टेप नंबर 3 में वीनस जो है वो 7000। हाँ, तो ठीक है ना, वो तो आपको पता ही चल रहा है ना, वो एक रीजन है आपके लिए कि भाई आप उसमें उन्हीं के किसी लेडी के नाम पे ही अपना काम कर सकते हो, बिजनेस। और कुछ एक्स्ट्रा बताने वाले थे आपने, स्टेप नंबर 3 स्पेसिफिकली बोला ना कि जो लोग नहीं, जो भी जो जिस स्टेप में आपके ग्रह निकल कर आ रहे हैं उसी स्टेप को आप फॉलो करोगे तो आपको अपने आप, जो आपके लिए जो लिखा गया है कि भाई 7th में वीनस है तो आपका जो 7th हाउस है उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो फीमेल नेम पर हो या उस बिजनेस का नाम ही फीमेल फीमेल उसमें हो। ठीक। थैंक यू मैम। मैम रोमिला देसाई। वन मैम सेकेंड रोमिला जी, एक बार मैं मोहन जी को ले लूं फिर उसके बाद आपको ले रही हूँ। मोहन जी बोले। मैडम नमस्कार। नमस्कार। पहले घर में मंगल, गुरु और शुक्र एक साथ बैठे साथ। तो मंगल जो है वो आपका किस्मत का ग्रह निकल कर आता है, गुरु और शुक्र से कोई मतलब गुरु और शुक्र से कोई मतलब। नहीं। जी जी रोमिला जी, पूछें। हाँ जी मैम, मेरा 9th हाउस में जुपिटर बैठा है विद सन एंड मर्करी। ओके, तो आपका जो जुपिटर है वो आपका किस्मत का ग्रह निकल कर आता है। तो मैम एक चीज बताइए मैम, जैसे मैंने ये लाल किताब पहले भी पढ़ रखी है और भी भृगुनंदी ये सब कर रखा है, बट पता नहीं लाइक प्रोफेशनली मैं इन सब चीजों को कर नहीं पाती हूँ। अभी दोबारा अगर मैं इसको करती हूँ तो कुछ हेल्प मिलेगी मुझे लाइक उस तरह से। मैम बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि क्या उम्र है आपकी? 50। ओके, तो अभी जो है केतु की उम्र खत्म हुई है, अब गुरु का समय वापस स्टार्ट हो रहा है और आप करोगे ही करोगे इस चीज को। अब जो सेकंड जो आपका स्टार्ट होएगा, जिसको हम एक सेकंड इनिंग्स कहते हैं, उसमें आप काफी अच्छा कर जाओगे।
तो गुरु आपका किस्मत का ग्रह है, उसके लिए जो है जैसा मैंने कहा सफेद कपड़े के चौकोर सफेद कपड़ा, दो हल्दी की छींटे मार के आप अपने पास रखें उसको। दूसरी चीज की जब फर्स्ट क्लास होगी इसकी, तो जो रेमेडी अगर आप शुरू से थे क्लास में, तो पूनम जी के साथ हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ शेयर किया था, वो चीज आप लोग बना लोगे फर्स्ट क्लास में, उससे भी काफी मदद मिलेगी आप। ओके ठीक जी है, थैंक यू। जी शांतिया जी पूछें। नमस्ते, हम तमिलनाडु में से, मेरा कुंडली ऐसे में कि हम कैसे देखते हैं ऐसे कुंडली साउथ का तमिलनाडु। हाँ साउथ इंडियन ना, तो नो हाँ प्रॉब्लम। साउथ। साउथ इंडियन कुंडली में जो होता है आपका, फ्रॉम द लेफ्ट साइड जो सेकंड हाउस आता है, दैट इज द फर्स्ट हाउस राइट, अच्छा जो ठीक ऊपर टॉप में, जो टॉप में जो सेकंड वो है ये है, ये स्क्वायर। इसको पकड़ना, इसको पकड़ना मैम, ये वाला, ये वाला, ये ओके, दोनों रख। ये जो एक चीज है, आप या तो अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है, मैं सिर्फ उसका स्क्वायर ही देख पा रही हूँ, उसको जो हाँ है आप डेट ऑफ बर्थ, हमारा एक चैट ग्रुप अभी हमारी टीम ने डाला है, आप उस पे डाल के ज्वाइन उसको डाल दो, तो उस चार्ट में से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी देख के कि भाई कौन सा आपका किस्मत का ग्रह है। ठीक है अभी मैं ये क्लास रन करूं, मैं बहुत कोर्स किया, लेकिन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रहा है, वो लाल किताब पढ़ने से मुझे किससे आंसर मिल जाएगा मेरा। मैं समझी नहीं, दोबारा आप बोलें प्लीज। नहीं, असल में ना बहुत कोर्स किया, लेकिन एक हर महीने एक ना एक प्रॉब्लम आते रहता है मेरे साथ, तो निवारण नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए ये लाल किताब पढ़ने से कुछ मिल जाएगा, कुछ आंसर मेरा देखें, किस्मत। आपको आपको अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है और आपका हाँ है, इंटरेस्ट है, न्यूमरोलॉजी भी सीखा तो राजू सर से, न्यूमरोलॉजी हाँ, भी सीखा वो तो विष्णु आप जो सर से। है लाल किताब भी सीख सकते हो। थोड़ा सा लाल किताब को समझने के लिए आपको सारी अपने मन के जो वहम और भ्रांतियां होती हैं या इफ्स एंड बट्स होते हैं, उनको बाहर रख के बैठना पड़ेगा। तो हाँ ठीक आप जैसे हम चैप्टर टू चैप्टर पढ़ेंगे, पेज टू पेज पढ़ेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको करके दूंगी क्लास में। और मेरी हाँ सबसे, ठीक जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक में आप साथ साथ लिखते जाओ कि भाई मैं कौन से पैरा आपको पढ़ रही हूँ, क्या उसका वो है, या अलग से कॉपी जो है, जैसे मेरे पास ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने भरी हुई हैं लाल किताब से, जब भी मुझे कोई नया पॉइंट मिलता है, तो ऐसे साथ में एक नोटबुक लेके रखें जिसमें आप जो है अपने वो लिखते जाएं अपनी लैंग्वेज में। आप बंगाली हो, आप साउथ इंडियन हो, कुछ भी हो, अपनी लैंग्वेज में आपने जब एक बार लिख लिया, कोई भी विद्या हो, अपनी मातृभाषा में आप लिख लोगे, जो बचपन से आपके दिमाग में फीड है उसमें आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। बाकी और कोई इश्यू होएगा तो आई एम देयर, वी कैन सॉर्ट इट आउट। ठीक है, थैंक जी कुसुम जी पूछें। ओके मैम, मैं पूछ रही हूँ, जैसे आपने अभी थर्ड स्टेप में बताए हैं, उसमें शुक्र का बताए स्थान 7th हाउस में शुक्र हो, तो वही आपका होगा ना, आप जो लिखे, जी तो इसमें शुक्र जी के साथ मंगल भी है और बुध भी है, तो क्या बोले कोई बात नहीं, शुक्र आपका फिर भी जो है वो ये लकी। है लकी ग्रह है। हाँ हस्बैंड है आपके? हाँ, हाँ तो उनको क्या कोई ब्लड की डिजीज है? हाँ क्या डिजीज हाँ है? है कुछ है। ओके हाँ, तो ठीक है, तो उस केस में जो है आपको एक ही चीज मैं आपसे बोलूंगी कि इस केस में आपको जो मंगल है, हाँ बेसिकली मंगल को जो है वो आपको शिफ्ट करना है, मतलब मंगल को वहां से, मंगल का प्रभाव हटाना है। यानी क्या मतलब हो गया उसका, कि आपके जो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है, ठीक अच्छा है, साउथ वहां पे वेस्ट।
साउथ वेस्ट, वहां पे कोई लाल रंग की चीज आपने रखी हुई है, या कोई रेड कबर्ड है, या कोई वहां पे कोई रेड शोपीस है, या कोई रेड लाइट है, या लैंप है, या वहां पे आपकी किचन आ जाती है जहाँ पे गैस आ गई है, या कोई आपने रेड कलर में कोई कपड़ा है जो कि जैसे बुक्स होती हैं वहां पे कोई रखा हुआ है, वो हटा दें। लेकिन अपने शुक्र को एनहेंस करें। शुक्र को एनहेंस आप कैसे करोगे कि भाई जहां भी आप शुक्र वाले, जो जिनका सातवें घर में शुक्र है, बहुत आसान तरीके से उसको किस्मत का ग्रह अपने को बढ़ा सकते हैं। हाँ आप उसको ऐसे बढ़ा सकते हो कि भाई उस केस में गाय को हरा चारा खिला के, जो भी गाय गाय को, आपको दिखे, एक हाँ पालक की गड्डी आप उसको खिलाओगे, उससे हाँ आपके हस्बैंड की जो ब्लड डिजीज है वो कम होती चली जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, उनकी जो हेल्थ है वो थोड़ी सुधरनी शुरू हो जाएगी। तो ओके। आप अपने शुक्र को एनहांस रखें। और बुध का शुक्र जो कोई है आपका, बुध बुध का, भी है बुध तो अच्छा है वहां पे, बुध की कोई वाह प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और बुध का कोई प्रॉब्लम। 10th हाउस में जैसे चंद्र लिखा हुआ है तो उसका, हाँ 10th हाउस में चंद्रमा है, तो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं? नहीं हस्बैंड के नाम पर है कोई प्रॉपर्टी? नहीं नहीं बेटे के नाम पर है। हाँ तो वही जो प्रॉपर्टी, उसमें आप नॉमिनी भी नहीं हो। नहीं बेटे के चंद्रमा नाम दस, में। चंद्रमा दस में चौथे खाने में, मतलब उसके सामने कौन है? खाली है, चौथे खाना खाली है, खाली नंबर है। हाँ खाली नंबर है। तो आपको जो है आपके घर के पास कोई पानी, बहने वाला पानी या कोई चीज है? नहीं, नहीं, हाँ जैसे स्विमिंग पूल बोलते हैं वो है खाली नहीं पास में। स्विमिंग पूल नहीं, चलता पानी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसमें चौथा खाना खाली होने की वजह से घर नंबर में है, जो नाइन है, नंबर है खाली। हाँ लेकिन उसको हम खाली ही मानते हैं लाल किताब के हिसाब से, ओके तो राइट। आप उसकी चिंता मत करें, खाली और आप अपने तीन, शुक्र पे ध्यान दीजिए। हाँ और ये चंद्रमा 10th हाउस में तो बिजनेस के हिसाब से क्या सोचे? अगर आप काम के हिसाब से सोच रहे हो, 10th हाउस में चंद्रमा और हाँ सातवें घर में शुक्र का होने की वजह से आप हाँ कपड़ों का काम ज्यादा अच्छा कर सकते हो। ओके राइट। कर ही रहे हैं, वही कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रहा हाँ तो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो शुक्र को एनहांस करें, है। शुक्र को, ओके गाय को हरा चारा खिलाएं। जरूर दूसरा जरूर। कि जो ये अपने जो घर, जो जगह है आपकी जहां पे आप ये कपड़े का काम करते हो, हाँ ठीक है, वहां पे हाँ साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट उसकी दिशा रहेगी, हाँ वहां पे भी जो है वो कपड़े को लाल वहां पे कपड़ा, स्टोर, हाँ नहीं नहीं लाल कपड़ा नहीं हो, लाल रंग में नहीं होना रखें। चाहिए, राइट। हाँ 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 वहां पे आप जो है वो ये कपड़ों को स्टोर करें, या वहां अच्छा पे आप कोई भी परफ्यूम का छिड़काव रखें, मतलब कि कोई परफ्यूम अच्छा होती है उसका अच्छा छिड़काव करते रहें, तो आपका काम बढ़ता रहेगा। ओके। थैंक यू जी मैम सो मच। हाँ जी और किसी का थोड़ा सा सवाल? अभी हम आई एम सॉरी, किसी ने स्क्रीन शेयर किया है। मैम, हाँ मैम, जी एक्चुअली मेरे से वो स्क्रीन शेयर हो गया था। आई वांट टू शेयर कुंडली, मतलब एक वो पिक्चर शेयर करना चाह रही थी मैं, तो वो स्क्रीन शेयरिंग हो गया। हाँ ओके मैंने एक्चुअली एक क्वेश्चन मैं, पूछना था, एक मतलब बर्थ डिटेल्स तो क्या मैं आपको, या फिर कैसे आपके साथ शेयर करूं इसको? मैं चार्ट्स नहीं देखूंगी, मुझे खाली आप ये बताएं कि जो हमारा टॉपिक था कि किस्मत का ग्रह आपने ढूंढ लिया अपना, उसी के नहीं वो रिलेटेड हम नहीं बात कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे हम ढूंढेंगे। आप शेयर करें, शायद बाकियों की भी मदद हो जाए। एक वो लगन कुंडली को शेयर कीजिए, मैं बाकियों को भी समझा देती हूँ। हाँ जी शायद ये शेयर स्क्रीन करके मैं भेज करूँ क्या एक बार? हाँ जी क्या ये विजिबल है मैम? अभी आ रहा है, आ गया। अब आप हाँ जी म्यूट हो जाए, मैं सबके लिए बता रही हूँ। अब देखें, ये लगन कुंडली है,
हमने इसमें जो लिखी हुई राशियां हैं वो नहीं देखनी। हमारा पहला स्टेप क्या कहता था कि बंद मुट्ठी के ग्रह, यानी हमने देखा ये पहला घर है, ये चौथा घर है, ये सातवां घर है, ये दसवां घर है। हमारा पहला स्टेप किस्मत के ग्रह के लिए क्या कहता था कि क्या पहले घर में सूर्य हो, या चौथे घर में गुरु हो, सातवें घर में शनि हो, या दसवें घर में मंगल हो, तो इन चारों में सबसे पहले आपका किस्मत का ग्रह मिलेगा। अब इस कुंडली में आपका 1, 4, 7, 10 में कोई भी ऐसा ग्रह जो हमने पहले उसमें माना वो नहीं था। अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं कि भाई हमने कहा कि दूसरे घर में शुक्र हो, सॉरी दूसरे घर में चंद्रमा हो, और छठे घर में जो है आपका बुध या राहु हो, नौवे घर में अगर आपका केतु हो, बारहवें घर में जो है शुक्र हो, तो आपका किस्मत का ग्रह वो माना जाएगा। अब यहाँ पे वो भी नहीं मिला। अब हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं। उसमें क्या कहा था हमने कि भाई यहाँ पे आपका पहले घर में मंगल हो, दूसरे घर में शुक्र हो, तीसरे घर में जो है आपका बुध हो, चौथे घर में चंद्रमा हो। अब यहाँ पे चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, पांचवें घर में सूर्य हो, छठे घर में बुध हो या राहु हो, सातवें घर में जो है आपका शुक्र हो, आठवें घर में मंगल हो, नौवें घर में गुरु हो, और दसवें घर में शनि हो, दसवें घर में शनि हो, और बारहवें घर में गुरु हो। अब इस केस में जो है थर्ड स्टेप में हमारा चौथे घर में चंद्रमा निकल कर आता है, तो इनका चंद्रमा जो है वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। मान लो यहाँ पे चंद्रमा नहीं होता, तो हमने पहला हमारा क्या था कि 9th हाउस में जो ग्रह बैठा होगा वो इनका किस्मत का ग्रह माना जाएगा। तो उस केस में 9th हाउस में जो शुक्र बैठा है वो इनका किस्मत का ग्रह माना गया है, लेकिन इस केस में चंद्रमा हमें चौथे घर में मिल गया है, तो इसलिए हम उसको चंद्रमा को ही किस्मत का ग्रह मानेंगे। प्रीति जी, अब आप इसको स्क्रीन को बंद कर सकते हो। ओके जी, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें, क्योंकि मैम प्रीति जी सुनाई दे रहे आपका हैं मैम। चंद्रमा ही चौथा ग्रह किस्मत का ग्रह मानना मैम चाहिए। मुझे कुछ पूछना था। थैंक यू मैम। जी, एक सेकंड रेणु जी, श्री जी आप कुछ बोल रहे थे, बोले। हाँ जी मेरा अष्टम में वो है आपका मंगल आ रहा है फोर्थ स्टेप में, तो हाँ, तो मंगल उसको आपका, हाँ तो मंगल को पकड़ना पड़ेगा, बट मंगल को दूसरा पकड़ना मॉड्यूल में पड़ेगा। मंगल आठवें खराब बोलते हैं, किसमें? दूसरा मॉड्यूल्स में मॉडलिटीज में तो मंगल आठ को तो खराब बोलते हैं, नहीं, और वो आप यहाँ दूसरी दूसरी मॉडेलिटी पे मत जाएं। ये वहां पे साइन आता है मेष का, मेष साइन का जो लॉर्ड है वो मंगल होता है। पहले घर में मंगल इतना खराब नहीं माना जाता है, चौथे घर में हम मंगल को बहुत खराब मानते अच्छा हैं। मैं देता डाला मेरा हूं। अष्टम में आया है और मीन राशि में आया है सिंह लग्न। नहीं, पहले जो है मंगल को पकड़ोगे, मंगल ही आपका किस्मत का ग्रह रहे। ओके बट मंगल तो बड़े भाई भी होते हैं ना लाल किताब मंगल में, तो बड़ा भाई भी होता है। यस, मेरा बड़ा भाई का तो थोड़ा अर्ली एज में देहांत हो गया था, तो फिर भी हम हाँ, उसको पकड़े। तो वो कोई इशू नहीं है। वो आपका, वो आपकी कुंडली से जो है वो मंगल से आपको 11th हाउस में कौन है आपके? 11th हाउस में तो कोई नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो मंगल लेकिन आपका किस्मत का ग्रह है। अगर वो होते आज तो आपकी किस्मत कुछ और होती। ओके तो इसको कैसे एनहांस करें मैम? इसको एनहांस करने के लिए अपने माथे पे ये जो, जैसे आपने तिलक आपकी पिक्चर पे लगा ही हुआ है, वो तिलक को जी लंबा नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे खाली एक डॉट लगा के रखनी है अपनी आईब्रोज के बीच में, रेड रेड कलर। रेड कलर की। ओके थैंक यू जी मैम। जी सदानंद जी पूछे। जी मैम मेरा फोर्थ स्टेप में थर्ड हाउस में वीनस है, तो थर्ड हाउस में जो तो मेरा वीनस है वो आपका किस्मत का ग्रह बनकर आता है, तो तो अपनी वाइफ को जो है आपको काफी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और आपकी वाइफ जो है
वो आपका साथ काफी देती है, काफी कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देती है, तो बस आप उन्हीं को पकड़े रहो तो किस्मत जागती रहेगी। थैंक यू। और जो सॉरी एक्चुअली वो थोड़ा भी जानना चाहता था कि 8th हाउस में 4 नंबर में गुरु है, तो उसका एट उसका कोई हाउस इश्यू में नहीं कुछ है। इशू है हाँ ना जी। नहीं हाँ वो ये तो मैं जी एक सॉरी, कुणाल जी प्लीज स्क्रीन ऑन करके सवाल करें। अभी जो है मैं क्लास को फिनिश करूंगी, बाकी चीजें जो है आपको कोर्स का मटेरियल जो हमारा चैट ग्रुप है आप उसमें डाल सकते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कुणाल जी पूछें। जी थैंक यू मैम अगेन अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बट मेरे मेरे मुझे एक्चुअली ये समझ नहीं आ रहा है। ये जो मतलब जो आप कुंडली देखते हो, क्योंकि उसमें लग्न कुंडली भी है, ये ऐप में देख रहा था केपी कुंडली सिस्टम है, और एक है लाल किताब कुंडली। अभी किस कुंडली में जाके हम, आपने जैसे नहीं कुछ नहीं नॉर्मल आपकी जो जो आपका नॉर्मल लगन कुंडली है ना उसी को देखते हैं। अच्छा, और ओके ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम अपने आइडिया लगाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये लाल किताब कुंडली को देखने की कोई रेफरेंस की कोई जरूरत ही नहीं है उसमें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाल किताब कुंडली कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ उन्होंने जिस जो भी आपकी लगन कुंडली के ग्रह जहां भी बैठे हैं बस उसी को आपको कंसिडर करना है कि लेट्स से कि 9th हाउस में आपका गुरु एंड मंगल बैठा है, तो यू विल से कि भाई लाल किताब के हिसाब से 9वें खाने में मेरे गुरु और मंगल है। वी आर नॉट सीइंग एनी साइंस देयर, मतलब हमें साइंस से लेना देना कुछ नहीं होता है। ओके क्योंकि हर एक कुंडली में अलग अलग पोजीशन में ग्रह हो रहे हैं, मतलब जहां पे लाल किताब में देख रहा हाँ हूँ तो वहां पे वो वो नहीं आ रहा है। आपको नहीं, आपको वो नहीं, वो आप दूसरी कुंडली देख रहे हो। आप अगर एस्ट्रो सेज पर हो तो उसपे मत जाओ, बिकॉज जो कोर्स हम लेकर आ रहे हैं उसमें आपको कुंडली बनाना भी सिखाया जाएगा, तो यू कैन, ठीक है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली लाल किताब किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है। थैंक यू मैम। एक लास्ट सवाल मैम पूछ सकता हूँ? गुड मेरे आफ्टरनून। 7th हाउस में शनि दिख रहा है, 7th हाउस में शनि है, किसमें? सेवेंथ हाँ तो हाउस में आपका शनि है। किस्मत का ग्रह वही है, हाँ बट मेरी राशि मिथुन है। अच्छा कोई बात नहीं, राशि को भूल जाए। लाल किताब कहती है कि राशि से कोई लेना देना नहीं। ओके, तो शनि के रिलेटेड मतलब जो भी है दान पुण्य करना है या अच्छा काम करना है वैसा रहता है, राइट? कभी भी किस्मत के ग्रह, अगर किसी का किस्मत का ग्रह बंद मुट्ठी का निकल आता है, यानी राइट जो फर्स्ट स्टेप में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका कोई किस्मत का ग्रह निकल आता है, तो उनको 100% उसका दान नहीं करना है, उसको दान को लेना है। दान कैसे ले सकते हो आप कि भाई मान लो कि शनि 7वें में है, तो आपके फ्रेंड्स आपको ब्लैक शर्ट गिफ्ट करते हैं, पर्स गिफ्ट करते हैं, बेल्ट गिफ्ट करते हैं, जूता गिफ्ट करते हैं, तो आपके लिए वो एनहेंसिंग हो जाएगा। ओके ओके आप किसी को वो चीजें गिफ्ट नहीं कर सकते। निधि मैम ठीक गुड है, आफ्टरनून। हाँ थैंक यू। गुड आफ्टरनून आर्यन जी। जी मैडम, ये कितने, एक तो देर आर 3 क्वेश्चंस, ये कितने ड्यूरेशन का कोर्स है नंबर 1, ये और 6 months सिक्स कोर्स। मंथ्स, एंड नंबर 2, ये अपन थोड़ा सा, ये आपने लग्न का बोला है तो अपन ये चलित कुंडली के हिसाब से अगर देंगे देखेंगे तो प्रिडिक्शन और अच्छा नहीं आएगा? नहीं, इसमें जो है पंडित जी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और मैंने देखा है कि चाहे आप लाल किताब को केपी चलित भाव चलित किसी पे भी लगा लोगे, आपको प्रिडिक्शन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। जो पंडित जी के प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को पकड़े हो, बल्कि आपकी खुद की प्रिडिक्शंस फॉर अदर साइंसेस आल्सो लाइक केपी एंड चलित वो और अच्छी हो जाती है, बिकॉज अगर आपको बैकग्राउंड में आपकी पूरी लाल किताब की नॉलेज सॉलिड हो तो आपकी और रिफाइन हो जाती है प्रिडिक्शन। कई बार ऐसा होता है कि विदाउट नक्षत्र सब लॉट देखे हुए ही आप इंसान को प्रिडिक्शन दे दे सकते हो। क्यों? क्योंकि लाल किताब आपके बैकग्राउंड में पूरी चल रही होती है, उसकी रेमेडी भी काम कर जाती है, और वो भी बाद में आप केपी से उसके रिजल्ट देख सकते हो, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। अगर BTR तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी देखो BTR हैज टू बी डन, आप कुछ नहीं, भी इसमें अपन। बीटीआर, इसमें बीटीआर की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम राशि नहीं देख रहे, हम जो है इंसान का एक निशानियों पे चलते हैं,
और वो निशानियां उसके बदन पर होती हैं और उसकी हथेली पर होती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको सवाल कर सकते हो कि भाई तेरे मामे का ये था, वो कहेगा हाँ था, तेरा घर यहाँ था, वो कहेगा हाँ था, उससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी ग्रह की। तो पंडित जी ने सिर्फ यही कहा कि भाई आप जो बंधा लेख लेकर आए हो वही आपकी पूरी गुत्थी है, और वो बंधा लेख जो है वो आपको निशानियों से ही पता चल जाए। तो उसकी आपको बिल्कुल बीटीआर या बहुत ज्यादा योग या डिग्रीज वो सब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है लाल किताब। बीटीआर में कभी कभी तो हो सकता लग्न भी चेंज हो जाए, अगर टाइमिंग वो है तो नहीं होगा? अगर अगर लग्न चेंज होगा तो भी इंसान के जो ग्रह हम पकड़ेंगे, जो घरों खानों में ग्रह बैठे हुए वो हमें बता रहा है, तो उसकी चीजें मैच नहीं होंगी। जब मैच नहीं होंगी तो वो जो सिम्टम्स हमें बताएगा वो हमें पता होगा कि किस ग्रह के रिलेशन में मैच हो रहा है, तो हम देखेंगे कि भाई अगर तेरे साथ ये नहीं हुआ तो ये हुआ था क्या। दैट मीन्स कि अगर 12वें खाने में मंगल है, हो सकता है कि उस समय मंगल उसके जब ये बात कर रहा है हमसे या जब ये पैदा होने की बात कर रहा है उस समय मंगल 12वें में ना होके खाना नंबर 1 में आ जाए आ गया है, तो उस हिसाब से जो है हम उसको प्रिडिक्शन देंगे या रिजल्ट्स उसके निकाल के देंगे। तो इसमें कोई ऐसा मेजर बीटीआर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये जो साइंस है ये आपको अपने आप उसको कैलकुलेट करना सिखा देती है। ठीक है मैडम। मैडम 8th हाउस मंगल को जरा प्रिडिक्ट करके बताइए। मेरा खुद का मंगल 8वें घर का है, ब्लड की डिजीज होती होती है, 4 या 7 साल का डिफरेंस छोटा भाई होता ही होता है, और मंगल की 8वें घर में, हाँ जी, ब्लड ब्लड डिसऑर्डर, लंग, ब्लड 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 डिसऑर्डर, हाँ, खून का, खून की कोई बीमारी आपको लगती ही लगती है और मंगल की एज में ही लगेगी। मंगल की एज जो हमने मानी है वो 27, 28, 29 साल के बीच में लगेगी ही लगेगी। और दूसरा आपका और आपके आप भाई जरूर होता है इस इंसान का, लेकिन डिफरेंस रहता है सालों का पैदा होने में। दूसरी चीज एक और देखी गई है कि मदर को जो इंसान का 8वें का मंगल होता है उसकी मदर को कुछ ना कुछ तकलीफ हेल्थ की रहती है, और भी बहुत कुछ है मंगल 8 की। मदर से मंगल का क्या मतलब? 8वां घर जो घर होता है उसको हम गैबी या शमशान की भूमि कही जाती है, उसका जो एक कनेक्शन आता है लाल किताब में वो 4थे घर से भी आता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मदर के लिए भी हैवी रहता है। तीसरी चीज उसमें एक चीज मुझे अभी याद आई थी, मैं भूल गई। तीसरी चीज जो मंगल की एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाँ, मंगल 8वें वाला ऑकल्ट साइंसेस में जरूर आता है, उसको ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। एंड आर्मी डिफेंस इसमें भी, आर्मी डिफेंस, यस, पुलिस, इंश्योरेंस, या इंश्योरेंस किस चीज की इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हो गई गाड़ियों की इंश्योरेंस, इन चीजों में वो बहुत रहता है। मतलब कि जो भी चीजें आपकी मैन्युफैक्चरिंग, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी शुरू में शुरुआती अपनी जिंदगी स्टार्ट करता है एट अ लोअर लेवल, देन ग्रेजुअली गोस फॉरवर्ड। सो दिस मंगल वाला इंसान जो है वो थोड़ा सा, हाँ जी, ये जो है ये मंगल 8th हाउस फॉर एग्जांपल आपने बोला, ठीक है, तो इसको अपन वास्तु के साथ लिंक करें, क्योंकि मंगल का जो डायरेक्शन है डेट इज साउथ, तो इसका मतलब उस बंदे को साउथ का डायरेक्शन सूट करेगा, अपन वास्तु से प्रोटेक्ट करें? नहीं, नहीं सूट करेगा, क्योंकि 8वां घर पंडित जी ने लाल किताब में शमशान की भूमि बोली है। यहाँ पे जो मंगल है वो महावत, जो कि महावत इसमें जिसका मंगल 8वें होता है उसका राहु खराब होता है, तो राहु जो है वो उसका बहुत उसको तंग करता है, मतलब राहु जो है उसको बहुत उधम मचाता है लाइफ में। लेकिन मंगल 8 का होने में पंडित जी ने बहुत सारी उपाय भी दिए हैं और हिदायतें भी दी हैं। तो मंगल 8 वाला अपनी जिंदगी में तरक्की मैंने सिर्फ 2 ही चीजों से देखी है, कि अगर वो लाल किताब को फॉलो करके चले तो वो बहुत अच्छी तरक्की करता है, अगर वो फॉलो नहीं करेगा
मंगल आठ वाला काफी चीजों में दुख पाता है आगे चल के, जब मंगल की उम्र आती है, मंगल की उम्र 28 साल जब बीत जाती है, मंगल जब जाग जाता है उसके बाद जो है काफी उसको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं लाइफ में। उसकी कुछ हिदायतें हैं, कुछ उसके परमानेंट उपाय हैं जो पंडित जी लाल किताब में बताते हैं, वो करके आप रखोगे तो मंगल की काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। मगर मैंने जो देखा है कि मेरे जो प्रेडिक्शंस है, मैंने भी काफी हजारों कुंडलियां देखी है, 8th हाउस मंगल जो है उसके पास जो बैंक बैलेंस है किसी भी बंदे का, तो वो तो अनसर्न होता है। 8th हाउस मंगल क्योंकि दूसरे घर को देख रहा है, उसका बैंक बैलेंस पैसा उसके पास काफी होता है। इज इट करेक्ट? डिपेंड नहीं, डिपेंड करता है अगर दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा है तो। आपके आपके पास है? नहीं है क्योंकि मेरा ग्रह खाली है घर दूसरा। मेरी हूबहू कुंडली लाल किताब से हूबहू मैच करती है। यहाँ बहुत लोग हैं जिनको सारी चीजें भूल जाएंगी जब एक बार लाल किताब की कुंडली मैच शुरू हो गई तो, मतलब वो तो मैच इसको कोई अपन भी होगी। ओके वास्तु से लिंक नहीं करें, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं साउथ डायरेक्शन इसमें, सूट करेगा। नहीं, उसमें बिल्कुल सूट नहीं करेगा उसको साउथ डायरेक्शन। लाल किताब का एक हिस्सा जिसको हम मकान कुंडली भी कहते हैं वो भी है, जो वास्तु से रिलेटेड है। पंडित जी ने इसमें वास्तु, न्यूमरोलॉजी, कुंडली, हाथ सब डाला है, मतलब वो आपको सारी नॉलेज ये किताब दे रही है। तो उसमें जो है मकान कुंडली का जब जिक्र आता है या मकान कुंडली को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर जो है उसमें वास्तु भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। साउथ डायरेक्शन मानी जाती है लेकिन ये साउथ जो है ये शमशान की भूमि कही जाती है, जिनका मंगल आठ में है उनकी किचन तो साउथ में होनी ही नहीं चाहिए। साउथ साउथ ईस्ट हो गया, वहां नहीं होनी एंड चाहिए। यू कैन प्रिडिक्ट थ्रू फेस ऑल्सो, फेस रीडिंग। यस, जो फेस के साइंस हैं, दांत हैं, दांतों से आप बात करने का तरीका, उंगलियां, नाखून, पैर के नाखून, पहनने के कपड़े के तौर तरीके, बहुत चीजों से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इसका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। है। जी मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी आपका थोड़ा टाइम लग रहा है। जी मैम पूछे, जब तक 1 सेकंड रुके, मैं टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज पीडीएफ को लोड करें। जी हाँ जी बोले। मैम, जैसे आपने बोला कि मास मेरा मतलब ये स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, पर मैं जैसे वैदिक में कर रही हूँ, रेकी मैंने किया, टैरो करती हूँ, लेकिन मुझे एक प्रोफेशन अगर इसको बनाना है तो मुझे इतनी ग्रोथ काफी, मेरे को 10 मुझे 5 6 साल हो चुके हैं इसको करते हैं, बट इतनी ग्रोथ मुझे मिली नहीं है, तो मेरे लिए ये लाइन बेस्ट रहेगी आगे जाना भी या नहीं? आप 5 6 साल से कौन सी ये लाल किताब नहीं, दूसरी का दूसरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो? यस मैम, मैं एक्चुअली वैदिक तो पढ़ते हुए मुझे 3 इयर्स हुआ है कंटिन्यू करते हैं, बट मैं टैरो बुध, और मैं आपका बुध बुध किधर है? मंगल के साथ बैठा है 10th हाउस में। बुध मंगल के साथ बैठा है 10th हाउस में, कर सकते हो, आपको कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। 8वें घर में कौन है? मैम 8वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है मेरा, बल्कि 11th हाउस में सन और सैटर्न एक साथ हैं, 12th में मेरा वीनस है, 9th हाउस में मेरा केतु बैठा है, जुपिटर और राहु ओके 3rd हाउस में। मैम हाँ, तो बुध 10वें में होने से आप मंगल के साथ है तो आप कर सकते हो। 5th हाउस में कौन है? मैम एक सेकेंड, मैम 5th हाउस में कोई नहीं है, मेरा मून भी 2nd हाउस में। हाँ तो ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। कोर्स की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 24 जुलाई से ओके मैम, स्टार्ट हो रहा है ये, 5 महीने का कोर्स है, 6 मंथ्स में जाके फिनिश होएगा। 1 महीना हम आपको फ्री दे रहे हैं कि भाई इन केस अगर हम नहीं कवर कर पाए तो प्रैक्टिकल क्लासेस में हो जाएगा। क्लास टाइमिंग्स इसके वेंसडे एंड फ्राइडे सुबह 11 बजे रहेंगे, 2 घंटे की क्लास चलेगी और इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको जूम पे रहेगी और आपके हमारी ऐप में आपको मिलती रहेगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगी और बाकी जो है एकेडमी मेंबरशिप बेनिफिट सर्टिफिकेशन आपको मिलती है। और आप जब ये कोर्स हमारा जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप इसको रिपीट फ्री कर सकते हो। और ये कंप्लीट कोर्स है और इसका जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं। नए पार्टिसिपेंट्स के लिए ये 31,000 का हमारी एमआरपी है लेकिन डिस्काउंट के बाद 21,000 की हो जाएगी। जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने एकेडमी से और भी कोर्सेज किए हैं
उनके लिए 18,900 का ये कोर्स रहेगा। डिटेल्स फॉर द बैंक अकाउंट्स आपके सामने हैं, और हमारे इसी चैट में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिखेगा जो कि इस कोर्स से रिलेटेड, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये पीडीएफ उसमें भी डाल दिया जाएगा ताकि यू कैन गो थ्रू इट वंस अगेन। दूसरा, ये फुल कोर्स है, चैप्टर टू चैप्टर रीडिंग ऑफ द बुक है। बुक्स को जो जो किताबें इसके लिए चाहिए वो हम ग्रुप में भी डाल देंगे। बाकी अगर किसी के नहीं अरेंज हो पा रही है तो वो जो है एकेडमी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी कोर्स की डिटेल्स हैं आपके सामने, जो कि आपको ग्रुप में भी पीडीएफ ये डल जाएगा। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू टीम, आप इसको पीडीएफ को रिमूव कर सकते हैं। जी मैम, मेरा इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं है, मेरा बस ये क्वेश्चन है, जैसे मैं भी वैदिक कर रही हूँ और मतलब मुझे लाल किताब करना मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं? मेरी मतलब मंगल 10th हाउस में है, सूर्य और गुरु में है। एक मैं आपको बात बताऊं, सबको अगर आज आप यहाँ बैठे हो ना सब, तो जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या जो लोग एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका तुक्का नहीं है कि भाई आप इस क्लास में बैठे हो। लाल किताब, मैंने एक चीज मानी है कि ये खुद आपको इनवाइट करती है। अगर आज आप इस क्लास में बैठे हो तो कोई ना कोई उस कुदरत का कोई एक साइन है कि भाई आप इस नॉलेज को ले सकते हो। मे बी फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट रहे इसको लेना, या आप कम उसको ले पाओ, लेकिन आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ जरूर लोगे और अपनी लाइफ को तो एटलीस्ट अप्लाई कर ही पाओगे। हम अपनी जिंदगी बदल सके ना, तो हमारा जो जर्नी है वो खुद अगर हम सफल कर सकें, दूसरों की तो बाद में हेल्प कीजिए, पहले अपनी तो कीजिए। जैसे प्लेन में कहा जाता है कि भाई फर्स्ट अपनी ऑक्सीजन मास्क आप खुद लगाएं, बाकियों को बाद में लगाएं। उसी तरीके से लाल किताब जो है ना, सबसे पहले आपकी मदद करती है। आप अपनी मदद करवाएं, बाद में दूसरों की करें, तो इतना तो आप करना सीख ही जाएंगे, ये तो मुझे विश्वास है। और जो लोग यहाँ आज इस क्लास में हैं, वो कोई रीजन से यहाँ बैठे हैं क्योंकि उनको ये इंडिकेशन है कि शायद उनका टाइम है कि भाई ये चीज को वो सीख सके, या उनके कोई ऐसे ग्रह एक्टिवेटेड है जो आपको इस नॉलेज की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि वो कुछ अपनी जिंदगी बदल सके या अपने लिए हेल्प ले सके। मैम, मैंने ना एक्चुअली मेरे माइंड में एक बात है, बहुत पुरानी है, 8-10 साल पहले से है, ऐसे ही किसी ने कहा था कि जो लाल किताब करते हैं, पढ़ते हैं या इसकी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनकी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक कमी रहती है। कैसे? बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे वही तो कहा ना कि अगर आप इसको एज अ नॉलेज, एज अ एक सब्जेक्ट पढ़ोगे भाई, अगर क्यों रहती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई जो लोग गलत उपाय करवाते हैं या उपाय को अपने हिसाब से बदल देते हैं और उसको ये कह देते हैं कि ये लाल किताब का उपाय, उनको प्रॉब्लम आती है। झूठ बोलना जो है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। झूठ मत बोलो। इसलिए जो इस बार का जो कोर्स मैं लेकर आई हूँ, बहुत लोगों ने बहुत तरीके के उपाय डाले हुए हैं मार्केट में ये कह के लाल किताब लाल किताब, लेकिन आप जब इस कोर्स को करोगे आपको अपने आप पता चलेगा कि लाल किताब क्या है। ये कोई जादुई टोना टोटका ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, ओके। बस मैम एक लास्ट, ये मेरा मंगल 10th हाउस में है और सूर्य और गुरु है 8th हाउस में। कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू मैम। मैम ये पेमेंट वन टाइम है? नहीं, ये आप इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हो। उसके लिए आपको एकेडमी को संपर्क करना पड़ेगा, तो वो जो पेमेंट का जो इश्यू है वो आप एकेडमी में, वो जो आप ग्रुप ज्वाइन करोगे जो चैट में लिखा है उसको आप ज्वाइन कर लोगे तो उसमें आपको एकेडमी के थ्रू पूरा प्लान मिल जाएगा। ओके जी।
ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई होप कि काफी लोगों को मैं क्लास में देखूंगी और ये बेनिफिशियल होगा सबके लिए। कम से कम अपने लिए तो कुछ कर लो, बाकियों को तो भूल जाओ, अपने लिए सीख लो कम से कम। ये मत सोच कर आओ कि मैं इससे बहुत बड़ा कुछ दूसरों को बदलूंगा। लाल किताब जीने का एक तरीका बताती है, सही वाला, जिसको आप अपने ऊपर पहले लगाओ, बाद में लोगों की मदद। तो क्या ये हम जैसे जनरली बोलते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हम अपने ऊपर नहीं, हम लोगों को उसका रिजल्ट नहीं मिलता जब हम अपने हॉरोस्कोप देखते हैं या उसको ऐसा बिल्कुल करते नहीं। हम भी तो इंसान हैं। कहते हैं ना जैसे डॉक्टर को अपनी दवाई नहीं लगती वाली बात, जो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर हम अपने ऊपर ही नहीं कर सकते कुछ, अपना इलाज नहीं कर सकते, तो हमें डॉक्टर होने का कोई वो भी नहीं है। अब डॉक्टर विजय जी डॉक्टर है, अब इनको सिर दर्द होएगा तो ये दवाई अपने हाथ से खाएंगे तो इनको सिर दर्द नहीं जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी है। दवाई लेकिन सही होनी चाहिए, वो डॉक्टर को ही पता है ना कि भाई मेरे को किस तरीके का सिर दर्द है और मैं किस तरीके की दवाई खाऊंगा, मुझे क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता है। ये सारी चीजें आपको लाल किताब आपकी जिंदगी के बारे में बताती है। मैम बहुत पेशेंटली बहुत आंसर दिए हैं आपने, बहुत टाइम लगाया, बहुत अच्छा लगा इस वेबिनार को अटेंड करके। इवन दो पहले मैंने कहा चलो अटेंड करके देख लेते हैं, लेकिन हाँ अटेंड करने के बाद माइंड कन्विंस हो रहा है कि नहीं लाल किताब करनी है। थैंक यू मैम। आप करोगे तो सबके लिए बेनिफिशियल है, अपने लिए तो कुछ करो, दूसरे की तो भूल जाओ। जी सिद्धार्थ जी पूछे। मैम आपने मुझे कुछ बताया था, मेरा नेटवर्क चला गया था, मेरा सेकंड स्टेप में राहु था सिक्स्थ हाउस में। आप हाँ, आप जो है ना रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, उसमें आपको पता चलेगा, रिकॉर्डिंग तो हुई है सारी। अच्छा, आ जाएगी रिकॉर्डिंग। जी मैम, थैंक यू। उसमें जो है ये जो चैट में जो व्हाट्सएप का लिंक है, चैट में आप प्लीज इसमें देखें कि व्हाट्सएप का लिंक है एक। नहीं, शुरू में है, जूम ऑनलाइन से रहेगा चैट व्हाट्सएप, वो उस लिंक को आप ज्वाइन कर लें तो उसमें आपको सारे शुरू शुरू में एकदम। ये जो चैट जो जूम ऑनलाइन टू एवरीवन, जो फर्स्ट जो चैट का जो मैसेज है उसको आप ज्वाइन कर लोगे तो आप ग्रुप में आ जाओगे, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहीं उसी ग्रुप से मिल जाएगी। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. Thank you. Bye. Thank you.